नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। वीडियो के सेशन में अक्टूबर मंथ के साइंस रिपोर्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। या दोस्तों, साइंस रिपोर्टर में अक्टूबर मंथ के ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिन पे हमें जानना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि वीडियो पे जाने के पहले हम अपने पेनड्राइव कोर्सेज के बारे में बताते हैं जो स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जो एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी के डिफरेंट जीएस के मॉड्यूल सब्जेक्ट्स के लिए भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के पूरे ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल है। जीपीएससी एमपीएससी के एग्जाम को भी आप चाहें तो पेनड्राइव कोर्सेज से ले सकते हैं। इसके अलावा क्लैट का एग्जाम है, प्लस डिफेंस में वेरियस एनडीए एसएसवी सीडीएस टाइप एग्जाम्स के लिए भी आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अक्टूबर मंथ के साइंस रिपोर्टर में से कौन कौन से आर्टिकल हैं जो न्यूज़ में हैं और जो हमें जानने हैं, पहले उसके इंडेक्स में आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। पहला दोस्तों, इस बार के साइंस रिपोर्टर में एक तो सीएसआईआर की तारीफ हुई है कि सीएसआईआर एक स्मैगो करके एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग ये 9th रैंक पर आ रहा है दुनिया में। दूसरा, पॉइजनस कप ऑफ गोल्ड के बारे में बात हुई है, ये क्या है, कौन सा ऐसा पौधा है या जो भी चीज़ें, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कहते हैं 2018 में हाल ही में एक उड़ने वाली कार है, जो फ्लाइंग कार है, जो दुनिया में लोग यूज़ करना प्रारंभ करेंगे। देखते हैं कैसा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एवल प्राइज़ जो 2017 का है, जो दिया गया है, किसे दिया गया है, किस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं, वो अभी तक कुछ ऐसे इंसेक्ट ढूंढे गए हैं जो कि हाल ही में जो कि प्लास्टिक को भी बायोडिग्रेड कर सकते हैं, कुछ ऐसे वैक्स मौत हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इवन सैटर्न्स के रिंग्स पे भी बात हुई है, क्योंकि कैसनी मिशन जो है दोस्तों, उसका लाइफ जो है अभी सितंबर लास्ट में ख़त्म हुआ है, लास्ट क्वार्टर में। सैटर्न के रिंग्स में क्या होते हैं, बहुत पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया, इसमें आइस क्रिस्टल, डस्ट, गैसेज, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। जो पानी जो होता है, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, उसकी रिकवरी जो है, सल्फर वगैरह जो भी है उससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस म्यूजियम की बात हुई है, जो कि बेंगलुरु में है, जहाँ बहुत सारे भारत के फाइटर प्लेन्स और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रखी गई उस म्यूजियम में, जिस पर भी एक आर्टिकल रहा है, जिस पर थोड़ी बहुत बातें करेंगे। माइंड ओवर मैटर्स क्या होते हैं, इस बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। पॉपुलर ट्री के बारे में भी है, उससे कंट्रीब्यूशन की बात है, जहाँ कि आप सुनते होंगे शायद सबसे ज़्यादा प्लाईवुड वगैरह, जो हम प्लाईज वगैरह यूज़ करते हैं बेड वगैरह में, वो पॉपुलर से ही बनते हैं। स्टार डायलेमा के बारे में बात करेंगे। आजकल दोस्तों स्टार्च को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्यों, क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह के स्टार्च हमें प्रेफर करने चाहिए। इसके अलावा हमारे डाइट में जो हम चीज़ों को खाना जो हम खाते हैं, अगर उस बेसिक चीज़ें मतलब इसका पीएच 7 से अधिक होता है तो हमारे लिए वो सबसे अच्छे फूड माने जाते हैं। तो आप जस्ट जिन भी चीज़ों को खाते हैं, अगर वो बेसिक कंपाउंड्स खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और आइंस्टाइन के 100 ईयर्स हो चुके हैं पूरे, जो कि लेज़र की डिस्कवरी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लेज़र से भी जुड़ा है, क्योंकि सेंचुरी लेज़र की स्टडी का, यानी 100 साल पूरा हो चुका है, इसलिए उसके बारे में भी यहाँ पे आर्टिकल है। मराइन बायो इन्वेजन्स के बारे में बात है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो जो शिप वगैरह होते हैं अपने साथ, जब बैलेट वाटर या जो लेकर आते हैं, तो ये बैलेट वाटर क्या है, क्या किस तरह के इश्यूज हैं, इस पर भी बात करेंगे, जो कि ओशन की डाइवर्सिटी को डैमेज कर रहा है समय के साथ साथ, जिसके लिए भी भारत और 6 कंट्रीज ने मिलकर एक नियम बनाया, एक रूल बनाया है, जिसमें ओशन की डाइवर्सिटी को सेव करने की बात करेंगे बैलेट वाटर के बारे में। असीमा चटर्जी पे भी, जो कि पहली वीमेन है साइंटिस्ट है इंडिया की, जिनको डीएससी ऑफ इंडिया की मतलब उपाधि कह लो या डॉक्टरेट ऑफ साइंस जिन्हें मिला है। इसके अलावा केव ऑफ क्रिस्टल्स पे भी कुछ इंफॉर्मेशन हैं कि समुद्र में या इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे ज़मीन के अंदर की जो वॉल्केनोज हैं वहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। और प्लस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, 7-8 क्वेश्चन हैं, जहाँ इंडियन वीमेन का कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जहाँ पर हमारी फीमेल जो हैं, हमारे फीमेल साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं। फाइन, तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। आए दोस्तों, पहले आर्टिकल पर आते हैं, जहाँ पहला आर्टिकल है सीएसआईआर के बारे में, कि सीएसआईआर जो है इंडिया का, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं। यहाँ पे हाल ही में जो न्यूज़ में रहा है, सीएसआईआर को दुनिया के 9वें रैंक में रखा गया है, सिमागो इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग में।
जहाँ पर इंडिया के दुनिया के बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स जो हैं, जैसे इंडिया का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो मेन बॉडी है इंडिया का, सो सिमाको इंस्टीट्यूशन के हिसाब से इंडिया को 9th पोजीशन मिला है रैंकिंग वर्ल्ड में 2017 के अकॉर्डिंग। अब बात ये होती है सिमाको इंस्टीट्यूशन जो है वो किस आधार पर रैंकिंग देता है, तो वो रिसर्च के परफॉर्मेंस पर देता है। इसके अलावा जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, उनके खोज होती है, उनके किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं और सोसाइटी में उनका किस तरह से इम्पैक्ट होता है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक और सोशल कैरेक्टर्स को भी मेजर करते हैं उस इंस्टीट्यूशन का। तो CSIR पूरी तरह से देखो आप तो दोस्तों साइंटिफिक, इकोनॉमिकल और सोशल हर लेवल पर भारत में काम करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को चेक कर कर सुमैगो इंस्टीट्यूशन ने भारत के CSIR को दुनिया में 9th पोजिशन दिया है। इवन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पर जो फिर 5 to 50 इंस्टीट्यूशन, 5,250 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनका एक रैंकिंग है, और उस रैंकिंग में अगर हम देखें पूरी दुनिया में CSIR किस रैंक पर आता है, वर्ल्ड वाइड डेटा की बात हो रही है, ना कि सिमागो के हिसाब से। सिमागो के हिसाब से वी स्टैंड एट द 9th पोजिशन, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड हम डेटा देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर, तो CSIR पूरी दुनिया में 75 पोजिशन पर आ रहा है। अगर हम CSIR की लेबोरेटरीज के बारे में बात करें तो CSIR का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो आप देखोगे डिफरेंट रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स में, ओशनोग्राफी में, जियो फिजिक्स में अर्थ की स्टडी करने में, केमिकल डिफरेंट मेडिसिन ड्रग्स बनाने में, जीनोमिक्स वगैरह में स्टडी ऑफ बायोटेक वगैरह के जुड़े हुए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है, माइनिंग वगैरह में भी है, एरोनॉटिक्स में भी है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यानी कहने का मतलब है हर सेक्टर में आप CSIR के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो सोसाइटी में, जो समाज में है, अगर बात करें तो CSIR ने बहुत सारे अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, जिसमें इन्वायरमेंट से जुड़े हुए प्योरीफिकेशन की बात कर रहे हैं, वाटर प्योरीफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ के लिए, जैसे सहेली के बारे में हमने पिछले सितंबर मंथ के साइंस रिपोर्टर में बात की थी, यहाँ पे CSIR का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था पानी को प्योरीफाई करने में, ड्रिंकिंग वाटर को, फूड में फूड क्वालिटी बढ़ाने में, नई ब्रीड्स, नई नई प्लांट्स की क्वालिटी इम्प्रूव करने में, हाउसिंग में, एनर्जी एनर्जी सेक्टर्स में, बायोफ्यूल में, लेदर इंडस्ट्रीज में, फार्म हाउस, नॉन फार्म सेक्टर्स में, तो हर एरिया में CSIR अच्छे रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल था दोस्तों पॉइजनस कप ऑफ गोल्ड के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है और इसमें पत्तियां वत्तियां अच्छी तरह से होती हैं, फॉलीज क्रॉप में आता है। उसका नाम है सोलेंड्रा ग्रैंडी फ्लोरा। सो पॉइजनस कप ऑफ गोल्ड किसको बोलते हैं? सोलेंड्रा ग्रैंडी फ्लोरा, ये नाम आप याद रखना। इसको इस नाम से क्यों जानते हैं, आते हैं इस बारे में बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं ये जो प्लांट है किस जगह का नेटिव है, कहाँ पर ये सबसे पहले इवॉल्व हुआ दुनिया में, तो मैक्सिको में, कैरेबियन एरियाज में, इसके अलावा साउथ अमेरिका में। ओके, ये सोलेंड्रा ग्रैंडी फ्लोरा, इसको पॉइजनस कप ऑफ गोल्ड के नाम से जानते हैं, बहुत ही कॉमन है, पाया जाता है यहाँ। इनकी पत्तियां और जिनके लीव्स में जो स्टेम्स होते हैं उनके बार्क में कुछ ऐसे केमिकल एल्कोलाइड्स होते हैं जो बेसिकली पॉइजनस होते हैं, और ये इनका जो क्यूटकिल होता है, क्यूटकिल मतलब जो मान लो स्टेम है या लीफ है उसके बाहर की जो कवर होती है उसको हम एपिडर्मिस या वायतोषा कहते हैं, और उसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर, उसे क्यूटिकल के लेयर कहते हैं, वहां से कुछ केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, जो पत्तियों के चारों तरफ केमिकल सिक्रीशन हो रहे हैं, क्यूटिकुलर वैक्स जो निकल रहे हैं उसमें 92% करीब एल्केन्स होते हैं, और ये एल्केन्स होते हैं पूरी तरह से पॉइजनस देखे गए, इसलिए दुनिया में इन्हें पॉइजनस कप ऑफ गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछता है कि पॉइजनस कप ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं, तो आप सोलेंड्रा ग्रैंडीफ्लोरा बोलना, जिसके बारे में इंडिया में अभी रिपोर्टेड नहीं है, तो ये भी आर्टिकल साइंस रिपोर्टर में रहा है, तो एटलीस्ट आपको जानना चाहिए। आए दोस्तों 2018 में, 18 में बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है, देखते हैं ये चीज़ कहाँ तक संभव होती है, कितना सक्सेस होती है। जहाँ पे एंड ऑफ 2018 तक कह रहे हैं कुछ लोग लकी कस्टमर होंगे जिनके पास उड़ने वाली कार होगी और जमीन पे चलने वाली भी कार होगी, यानी दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। उस फ्लाइंग कार का नाम दोस्तों पाल वी रखा गया है। पाल वी क्या है एक्चुअल में, इसका पूरा नाम है, PAL का मतलब होता है पर्सनल एयर एंड लैंड, एंड वी का मतलब होता है व्हीकल। तो पर्सनल व्हीकल है जो एयर और लैंड दोनों जगह जाएगी, फाइन, इसीलिए इसका नाम पाल वी रखा गया है। नेदरलैंड की कंपनी है रामदोन्सवीर, ये कंपनी है जो आधारित है ये पालवी, जो ये कंपनी बना रही है इसका इसको, और ऐसा कहते हैं कि एंड ऑफ 2018 तक ये दे दिया जाएगा। इसका जो भी जो वंडर, जो आश्चर्य कार जो बन रही है, ये पूरी तरह से गायरोकॉप्टर पे आधारित होगा। अब बात होती है गायरोकॉप्टर क्या होता है,
गायरोस्कोप जहाँ पे गायरोस्कोप टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब गायरोस का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखो यहाँ पे बताया गया है, हेलीकॉप्टर लाइक इन कंस्ट्रक्शंस, यानी ये पूरी तरह से हेलीकॉप्टर की तरह की ही बनावट होगी, जहाँ हेलीकॉप्टर की जो टेक्नोलॉजी जिस तरह हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं उस तरह की चीजें इसमें प्रयोग में लाई जाएंगी। और फाइलॉन्स होता है जो इनमें ब्लेड्स लगे होते हैं जिसको जरा घूम कर ये उठते हैं, उसको फाइलॉन्स कहते हैं। तो गायरोस और फाइलॉन्स का यूज होगा इस गायरोकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर नहीं, इसमें क्या बोलते हैं गायरोकॉप्टर में, गायरोस जो कि हेलीकॉप्टर लाइक कंस्ट्रक्शंस हैं और फाइलॉन्स जो हैं ये इनमें रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं जो है जैसे हेलीकॉप्टर को वो घुमाकर उठाते हैं एग्जैक्टली ब्लेड की तरह, प्रेशर नीचे डालते हैं तो हाई प्रेशर नीचे हो जाता है लो प्रेशर ऊपर हो जाता है जब ब्लेड्स घूमते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं एग्जैक्टली, उस तरह की चीजें हैं। पालवी के बारे में बताऊं, इसमें तकरीबन दो इंजन होंगे जो 100 हॉर्स पावर के ईच इंजन है जो यूज किए जाएंगे और इनमें अनलेडेड पेट्रोल होगा जिसमें से लेड नहीं होगा और इसकी जो हाइट होगी तकरीबन वो है तकरीबन 3500 मीटर की हाइट तक जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो जो रोड पर ये चलेगा दोस्तों उसकी स्पीड तकरीबन 170 किलोमीटर पर आवर की होगी, एट स्टेज अगर आप देखो तो तकरीबन 500 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है बिना किसी रुकावट के, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह रहे हैं कि करीब 150 घंटे की पूरी टेस्ट फ्लाइटिंग हो जाए उसके बाद इसको ऐसा कहते हैं कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही ये कस्टमर तक पहुंचेगा। अगली बात होती दोस्तों एबल प्राइज के बारे में, एबल प्राइज जो 2017 में दिया गया जो प्रोफेसर वीस मेयर को मिला है जो कि फ्रांस के प्रोफेसर हैं और इनको जो नॉमिनेट किया गया एबल प्राइज 2017, इसके पीछे जो इनका मेन वर्क था इन्होंने मैथमेटिकल थियोरी है वेबलेट्स के बारे में बताया है जिसकी थियोरी को का विकास किया है किस तरह से वेबलेट्स थियोरी क्या होती है। अब बात होती है वेबलेट थियोरी हम कहते किसको है, वेबलेट एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं डिफरेंट तरह के डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करने में, उनको यूज करने में और विभिन्न तरह के इमेज वगैरह जो होते हैं फोटोग्राफ वगैरह उसको कंप्रेस करके शॉर्ट करने में। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके लिए एबल प्राइज दिया गया प्रोफेसर रीज मेयर को, ही इज फ्रॉम फ्रांस। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा पॉल्यूटेंट है, एक ऐसा पदार्थ है सब्सटेंस है जो कि सिर्फ इन्वायरमेंट को नहीं ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक्सीडेंटली या कह लो कि लकली एक हनीकॉम वैक्स मॉथ है, ओके एक इंसेक्ट आप समझो जो हनीकॉम वैक्स मॉथ है जैसे स्पेनिश साइंटिस्ट ने इस मॉथ के थ्रू देखा, इन्होंने क्या किया कि इस मौत को इस कीड़े को इसका जो लार्वा था उसको उन्होंने एक प्लास्टिक के अंदर रख लिया, प्लास्टिक के कवर के अंदर डाल दिया। 40 मिनट बाद उनको क्या मिला दोस्तों कि ये जो लार्वा था वहां पे वो क्रॉलिंग हो रहा है, क्रॉलिंग मतलब समझते दोस्तों क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब होता है कि मतलब ये लार्वा वहां पे एक्ट रहा है ऐसे 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 क्रॉलिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे क्रॉलिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे क्रॉलिंग कर रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, ओके। उन्होंने ये देखा कि जो प्लास्टिक था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसमें एक होल हो रहा है धीरे धीरे और वो जो होल हो रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो वैक्सवॉर्म है जो उसके अंदर रखा गया था। ये हनीकॉम वैक्स मॉथ जो होता है एक तरह से इसका कॉमन नाम अगर हम देखें तो उसे गैलेरिया मेलोनेला कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों गैलेरिया मेलोनेला कहते हैं। ये गैलोरिया मेलोनेला जो होता है ये इंसेक्ट का ग्रुप होता है लेपिडोप्टेरा ग्रुप, उस ग्रुप के इंसेक्ट्स के समूह में आता है। तो गैलेरिया मेलोनेला वो वैक्स है जिसको यूज किया था। आपको शायद पता होगा इसी लेपिडोप्टेरा ग्रुप में ही हमारा बॉलवर्म भी आता है जिसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जो ब्रिंजल और कॉटन वगैरह के प्लांट को बर्बाद करता है जिसके लिए हम लोगों ने बीटी क्रॉप्स बनाए हैं, वो इंसेक्ट्स भी लेपिडोप्टेरा में ही आता था। ये जो गैलेरिया मेलोनेला है इसके ये देखा गया कि इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, इनमें लिपिड पदार्थ होते हैं, लिपिड कंपाउंड्स होते हैं, इसके अलावा इनमें एल्केन्स एल्कीन्स फैटी एसिड और एस्टर्स टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो इस वैक्स के अंदर होते हैं और इनका जो लार्वा होता है कैटरपिलर बोलते हैं वो प्लास्टिक को कंज्यूम करता है, खाता है और उसको डिकम्पोज करता है। यानी जो कैटरपिलर या जो लार्वा है इनका, जो गैलेरिया मेलोनेला की बात कर रहे हैं इस वैक्स का, उसमें ये इस तरह के केमिकल्स हैं जो केमिकल्स में भी बोल रहा था और इसकी वजह से वो क्या करता है उसको डिकम्पोज करता है। अब साइंटिस्ट आर नॉट वेरी श्योर कि सच में ऐसा ही होता है तो वहां उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, हो सकता है कि ये जो गैलेरिया मेलोनेला है इसका कोई एंजाइम निकलता हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता हो, और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसेक्ट्स जो है जब इसकी गट के अंदर जब ये प्लास्टिक जाता है तो उसके अंदर कुछ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं
जो प्लास्टिक को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, यानी कहने का मतलब एक सस्टेनेबल मेथड है जो प्लास्टिक डिकम्पोज करने का तरीका है, क्योंकि अभी तक तो यही न्यूज में है कि प्लास्टिक क्रिएट तो की जा सकती है। प्लास्टिक किसे बनाते हैं पता है दोस्तों? प्लास्टिक से, पेट्रोल से। तो पेट्रोल से आपने प्लास्टिक तो बना लिया, लेकिन यूज करने के बाद उसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो एक चमत्कार होगा एक तरह से, अगर हम इन चीजों पे सक्सेस हो जाते हैं तो कल को भविष्य के लिए इट्स अ गुड रिजल्ट्स जो एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए यूज में आएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे शटन के रिंग्स के बारे में। जैसा मैंने बोला था केसनी का जो एज है वो खत्म हुआ है, तो वहां से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है शटन के रिंग्स के बारे में। शटन के बारे में, शनि जो हमारा एक प्लैनेट है उसके बारे में बात करते हैं। केसनी जो एक स्पेस क्राफ्ट है जो शटन की स्टडी के लिए भेजा गया, इसको पूरा वहां तक पहुंचने में तकरीबन 7 साल का समय लगा और ये 2004 में जाकर वहां पहुंचा। इसका मतलब ये 1997 में भेजा गया था, ये 1997 में भेजा गया था और इसको वहां तक पहुंचने में अपनी जगह पर जहां पे पहुंच के उसको काम करना था तकरीबन 7 साल का समय लगा है। इसके बारे में अगर हम बात करें केसनी के बारे में, तो 1980s के आसपास ही इसके बारे में चीजें शुरू हो गई थी। और हमारे सोलर सिस्टम में जो एक जायंट प्लैनेट है शटन का, जो गैस वगैरह काफी डेंस गैसेस भी होती हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे तकरीबन 5000 साइंटिस्ट ने मिलकर, 17 कंट्रीज के साइंटिस्ट थे उसमें, उन्होंने एक मिशन भेजा था जो कि केसनी मिशन है, जिसमें काफी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे और जहाँ पे हम लोगों ने शटन की स्टडी के लिए बात की थी। और यहाँ जो शटन है जो हमारा सोलर सिस्टम है, अगर हमारे अर्थ से हम बात करें तो ये प्लैनेट जो है तकरीबन 1.2 बिलियन किलोमीटर है हमारे अर्थ से। अगर अर्थ और इसके बीच का सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखूं तो तकरीबन 1.2 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पर इसे रखकर काम कराया गया है। केसनी हाइजन अगर हम मिशन की बात करें तो उसमें जो मेन कोलैबोरेशन है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो एक तो यूएस का नासा है, दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी है ASI। इन तीनों ने ही इसकी चीजें दी, यानी प्रोब दिए हैं, सामान दिए हैं, चीजें लगाई हैं, जिसकी मदद से हमने पूरी तरह से शटन की स्टडी के लिए, जो एक शटन की स्टडी में मतलब क्या, शटन के जो रिंग्स होते हैं उनकी स्टडी हुई है और जो शटन के अपने नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो उनके उपग्रह होते हैं, जो नेचुरल उपग्रह होते हैं उनकी स्टडी के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ इसके साथ क्या था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक और एक एक्स्ट्रा प्रोब भी भेजा गया जो कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए भेजा गया था, उसका नाम हाइजेंस था। सो केसनी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोब भी गया है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, उसको हम हाइजेंस बोलते हैं। इसके पहले भी अगर हम बात करें शटन की स्टडी के लिए, तो काफी कंट्रीज ने कई मिशन भेजे हुए हैं, जिसमें आप एक पाइनर 11 देख सकते हैं जो शटन की स्टडी के लिए भेजा गया है। इसके बाद आप देखो तो वाइगर को भी हमने भेजा है। फिलहाल वाइगर जो था उसको तो बहुत सारे रिजल्ट्स, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वाइगर के तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उसका हाँ एक काम ये भी था कि इसने भी शटन की स्टडी की है, क्योंकि जिस रास्ते से वो गया उस रास्ते में शटन भी पढ़ता था, क्योंकि वाइगर भेजने के पीछे रीजन था कि हमें सोलर सिस्टम के बाहर जाके काम करना था, तो जब हम अपने सोलर सिस्टम के थ्रू बाहर जा रहे थे तो डेफिनेटली बीच में शटन भी पढ़ रहा था, तो उसकी स्टडी भी इसने की है। ओके, इसके अलावा केसनी भी है जो हम बात कर ही रहे हैं। ये जो केसनी नाम है, ये केसनी नाम कहां से आया? केसनी नाम के पीछे एक इटालियन फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर है जिनकी वजह से ये नाम आया, क्योंकि उस शख्स का नाम भी क्या था, गियोवानी केसनी। गियोवानी केसनी ऐसा एस्ट्रोनॉमर था जिसने जिसने शटन की स्टडी के लिए बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स दिए हैं, तो उसी शख्स, उसी एस्ट्रोनॉमर के नाम पर, उसके नाम के एंड में केसनी था, इस मिशन में जो नाम था उसका केसनी रखा गया। केसनी मिशन के पीछे रीजन क्या है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने शटन की जो सीजन्स होते हैं, जो मौसम होते हैं उसकी जानकारी करेगा, मतलब इसके अलावा अगर देखो तो वहां पे जो भी वेदर्स हैं, उसकी फिनामिना वगैरह को समझने की कोशिश करेगा, उनके जो अपने चंद्रमा है, जो मून्स हैं, जो सैटेलाइट्स, उनकी स्टडी करेगा। इवन अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ हम ये पाएंगे दोस्तों की जो शटन होता है फाइन, उसका जो मून है वो पहली बार हमने इस मिशन के थ्रू पता करा है, यानी जो शटन की अपनी चंद्रमा होती है उसके बारे में हमने पहली बार यहां देखा है। और उस मून की अगर हम देखें तो उसके एटमॉस्फेयर की भी स्टडी की है, यानी अगर हम मून की स्टडी करते हैं, यानी उसकी चंद्रमा की स्टडी करते हैं, तो अल्टीमेटली वो शटन की स्टडी होती है क्योंकि वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करके हमें क्या मिला, वहां नाइट्रोजन मिला, मीथेन मिला,
और ये भी बोला गया कि जो 10 टाइम्स वहां पर है अराउंड द मून, 10 टाइम्स, जो अगर हम देखें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा वहां पे इस तरह के नाइट्रोजन और मीथेन टाइप की चीजें हैं, और कभी कभी ये मीथेन वगैरह वहां पर बारिश के फॉर्म में गिरती भी है। फिलहाल अर्थ पे ऐसी चीजें नहीं होती, लेकिन वहां पर ये बोलते हैं कि मीथेन के रेन वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें वहां देखी गई हैं। इस मिशन का अगर एक छोटा सा हम आउटलाइन देखें तो ये मिशन जो है 1997 में भेजा गया था, ओके 1997 में भेजा गया था, और इसमें जो मेन रोल था फिलहाल आपने देखा 3 कंट्रीज है, और 2004 में मिशन जो था वहां पूरी तरह से पहुंचा था, और 2004 में दिसंबर, ये पहुंचा तो 30 जून 2004 में था, दिसंबर 24 2004 को अगर हम देखें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो हाइजन प्रोब था वो शटन के मून टाइटन की स्टडी के लिए यूज किया गया, उस दिन जाकर वहां से अलग होकर उसको यूज किया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में लिए गए हैं। दोस्तों जो ये मिशन था वो छोटे से समय के लिए था, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इस मिशन का टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब देखो 2004 में पहुंचा है और 2017 में इसे एक्सपायर या मतलब बंद करने की बात हुई है। इसकी उम्र शुरुआत में सिर्फ 7 या 8 साल ही थी, बढ़ते 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 इसको 2017 तक हमने एक्सपेंड कर करके इसके इसके रिजल्ट्स लिए हैं। सितंबर 2010 में देखो जो रिपोर्ट आया था कि इसको मिशन को एक्सटेंड किया गया, जब एक्सटेंड किया गया उसका नाम केसनी इक्विनॉक्स मिशन बोला गया, बाद में फिर चल के कुछ समय के लिए और बढ़ाया गया, सेकेंड मिशन एक्सटेंशन हुआ, फिर इसके नाम में एक नया नाम जोड़ा गया, केसनी सोलिस्टिक मिशन जोड़ा गया, और जो 2017 तक जिसने काम किया है, अगर हम यहाँ बात करें तो इसने शटन के जो भी शनि है उसके पूरे के पूरे सारे सीजन्स की अच्छी तरह उसने स्टडी की है, वहां पे सारे मौसम सारी जानकारियां प्राप्त की है, तो एक अच्छा रिजल्ट है। और जो हम लोग बात कर रहे थे इसका जो एंड डेट है वो एंड डेट कौन सा है, तो सितंबर, जो लास्ट क्वार्टर में बोला था सितंबर 15 में ये मिशन जो है वो खत्म हुआ है, इसे क्लोज कर दिया गया है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में जो केसनी में लगाया गया है, फिलहाल इस पर कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, ऑन ए न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है, लगाया गया था, विजिबल एंड इंफ्रारेड मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया था, कंपोजिट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया था, कॉस्मिक डस्ट एनालाइजर लगाया गया था, इसके अलावा आप जाओ तो रेडियो एंड द प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट्स लगाया गया, इसके अलावा दोस्तों केसनी प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, मैग्नेटोस्फेरिक इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ड्यूअल टेक्निक मैग्नेटोमीटर, रेडियो साइंस सब सिस्टम, इमेजिंग साइंस सब सिस्टम और रडार, इनका यूज यहाँ किया गया दोस्तों, इन पेलोड्स का, इन कैमरे का, इन सेंसर का, जिसकी मदद से शटन के स्टडी में हमें हेल्प मिली है। इसके अलावा अगर हम हाइजेंस की बात करें, हाइजेंस में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो लगाई गई, तो डिसेंट इमेजर्स हैं, स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर्स हैं, हाइजन एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैस क्रोमेटोग्राफ है, मास स्पेक्ट्रोमीटर है, एरोसॉल कलेक्टर पैरोलाइजर है, सरफेस साइंस पैकेज है, डॉपलर विंड एक्सपेरिमेंट है, इन चीजों का इसमें यूज हुआ है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ साइंस रिपोर्टर में शटन की तारीफ की गई है, शटन के कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं, तारीफ नहीं, इवन शटन के स्पेसिफिक फीचर्स बताए गए हैं, जहाँ पर बोला गया कि शटन को हम जेवल ऑफ द सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी पूरे सौर मंडल का एक जवाहरात, हीरा जवाहरात, ज्वेल, जिस ज्वेल आप जिसको कह सकते हैं, ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं। इवन अगर आप शटन की बात करें, यहाँ डिफरेंट तरह के गैसेस सब्सटेंस होते हैं जिनमें हीलियम स्पेशली मुख्य होता है शटन पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो शटन पे बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग्स भी होते हैं जो वलय होते हैं, रिंग्स कहते हैं ये, जनरली जो शटन के रिंग्स होते हैं उनमें आइस होती है, डस्ट होते हैं, रॉक्स होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। इवन ये रिंग्स की अगर हम बात करें तो रिंग्स करीब किलोमीटर किलोमीटर के बराबर, मतलब मोटे मोटे रिंग्स होते हैं जो शटन के चारों तरफ हैं। इसके अलावा आप और जाओ तो शटन पे विंड्स भी हैं, अच्छे खासे स्पीड पे विंड्स भी चलते हैं, ऐसा कहते हैं तकरीबन अच्छी खासी स्पीड है, 1800 किलोमीटर पर आर की स्पीड से विंड्स है वहां पे। शटन जो देखें, शटन में जो एक साल होता है वो तकरीबन 30 अर्थ ईयर के बराबर होता है, क्योंकि जो शटन होता है वो जल्दी जल्दी अपने ऑर्बिट में घूम जाता है, तो जल्दी जल्दी अपने ऑर्बिट में घूम जाता है तो उसका जो ईयर, जो दिन होता है वो छोटा होता है, ऐसा कहते हैं। शटन में जो दिन होता है वो तकरीबन अर्थ के कंपैरिजन में 10.25 आवर्स में एक दिन हो जाता है, हमारे 24 घंटे में एक दिन होता है, वहाँ 10.25 आवर्स में एक दिन हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि जो शटन का एक ईयर होता है वो अर्थ के 30 अर्थ ईयर के बराबर होता है। ओके, ये उसको छोड़ो, आप ऐसे याद रखना कि हमारा जो वन शटन ईयर है वो तकरीबन 30 अर्थ ईयर के बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों और भी बात करें तो ये मत आप सोचना कि सिर्फ शटन पर ही रिंग्स होते हैं, शटन के अलावा और भी जगहों पे और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर रिंग्स पाए, उस बारे में बात करेंगे। पहले तो लोग यूँ कहते थे कि पहले रिंग्स आए और रिंग्स के बाद जाके शटन आया,
लेकिन जो इस स्टडी को हमने किया, या हमने ये पता लगाया, अच्छा पहले शटन आया, एक प्लैनेट आया, उसके बाद उसके रिंग्स के फॉर्मेशन हुए हैं। इसके अलावा ये तो केसनी का था, केसनी हाइजन्स ने ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं जिन पे बात करते हैं। केसनी हाइजन मिशन से दो ऐसे नए चंद्रमा हैं, मून्स हैं, जो कि टाइटन्स सॉरी ये शटन के हैं, जिनको ढूंढा गया, जैसे मिथॉन और कैलीन बोला गया। इस मिशन के पहले ये दो ऐसे मून्स थे जिसके बारे में पता नहीं था, जो कि शटन के अपने मून है। शटन के टोटल 60 मून्स अभी तक हैं जो पता लगाए जा चुके हैं। केसनी हाइजन जो है वो उसने डायरेक्ट सैंपल लिया है शटन के लार्जेस्ट मून का, यानी टाइटन का, वो सैंपल भी लेकर लिया है जिस तरह से उसकी स्टडी करने के लिए। टाइटन अगर देखें तो पूरी तरह से एक हैबिटेबल जोन के बाहर गया है और जाके हमारे सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में जाके स्टडी कर कर आया है, जहां पर आइसी वर्ल्ड है, यानी बहुत ठंडी वो जगह है। और यहाँ पे कुछ एसेंशियल कंपाउंड्स हैं जो मीथेन वगैरह है, और मीथेन के अलावा यहाँ पे इथेन और इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में चीजें पाई जाती हैं जो टाइटन पर हैं। तो टाइटन की पूरी स्टडी में मीथेन का लिक्विड फॉर्म में पाया जाना भी एक तरह से इसका एक्सपेरिमेंट है, जिसके बेसिस पे इस पे बारे में बताया गया है। दोस्तों एक बार यूपीएससी में 2007 के आसपास यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो शटन रिंग्स होते हैं उनमें कौन सी चीजें होती हैं। तो इस बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं, जो शटन रिंग्स होते हैं उनमें जो जो चीजें होती है, इस बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें वाटर आइस होता है, डस्ट होता है, बहुत सारे रॉकी मटेरियल्स और उससे कंपोनेंट्स होते हैं, पत्थर वगैरह, रॉक्स वगैरह, चट्टाने होती हैं। अगर हम शटन रिंग्स में बात करें तो ये जो चीजें इनमें पाई जाती हैं वो बहुत छोटे साइज से लेकर मीटर तक की साइज के बराबर होती है। तो म्यूएम से लेकर तकरीबन मीटर की साइज तक होते हैं जो चीजें, ये आइस, वाटर आइस और डस्ट वगैरह पाए जाते हैं, जो कि रिंग्स में पाए जाते हैं। अगर हम टोटल शटन के रिंग्स की बात करें तो चार मेन ग्रुप्स ऑफ रिंग्स होते हैं और तीन फैंटियर जो नैरोवर रिंग्स होते हैं, यानी कुल मिलाकर 7 रिंग्स होते हैं जिनके बारे में स्टडी की गई है। शटन वैसे भी देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जो पहली बार इसकी स्टडी 1610 के आसपास की गई थी, एक एस्ट्रोनॉमर था गैलीलियो गैलीली, इसने इसके सारी स्टडीज की है। इसके अलावा शटन के बारे में अगर बात करूं तो शटन जुपिटर के साथ साथ ही एक मतलब गैस, एक बहुत ही विशाल मतलब गैस गैसियस इन्वायरमेंट है वहां पर। टेम्परेचर थोड़ा उस तरह का है, ज्यादा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन टाइप की चीजें हैं जो कि दोनों में कॉमन है। यानी जुपिटर और शटन दोनों में आपको हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मिलता है। दोस्तों शटन इज नॉट ओनली द वन प्लैनेट जिसमें रिंग्स पाया जाता है, जो मैं आपको पहले से बोल रहा था। अगर आप इसके अलावा और भी जायंट्स, बड़े प्लैनेट्स की बात करो जिनमें रिंग्स होते हैं, तो आपको जुपिटर में भी रिंग्स मिल जाएगा, यूरेनस में भी रिंग्स मिल जाएगा और नेपच्यून्स में भी रिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ प्लैनेट्स देखो, जैसे अर्थ है, मार्स है, वीनस है, इनमें दोस्तों रिंग्स नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पेपर में हो सकता है कि शटन की तरह के रिंग्स और किन में पाए जाते हैं, तो आप जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून को टिक कर सकते हैं। दोस्तों शटन की स्टडी करने के लिए कुल आज तक 4 स्पेसक्राफ्ट हैं जो भेजे गए हैं, आपके पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट हो गए? 1979 में आपका पायनियर 11 गया है, जिस पर हमने बात कर ली है। 1980 में वोयगर 1 गया है, 1981 में वोयगर 2 गया है, और नेक्स्ट जो आपने अभी देखा था 1997 में जो हमने भेजा था, दैट वाज केसनी भेजा था, जो उसकी ऑर्बिट में जहां लगाना था वो 2004 में पहुंचा था। दोस्तों आगे आते हैं, आगे हम डिस्कशन करते हैं सल्फर के बारे में, जो रिकवरी ऑफ सल्फर फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर से हम निकालते हैं। सल्फेट दोस्तों एक ऐसा कंटामिनेट्स है, मतलब एक पॉल्यूशन वाली चीजें हैं जो वाटर बॉडीज के अंदर पाई जाती हैं। जनरली एग्रीकल्चर फील्ड्स और जो सॉइल वगैरह में जो रिसोर्सेस पाए जाते हैं वहां पर सल्फेट होते हैं, और सल्फेट जो होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं इन जगहों के लिए। सल्फेट जो होता है वो सीवेज वेस्ट वाटर से, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से इसके निकलते हैं, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सी एस आई आर। दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि कराईकुड़ी में है। यहां पर एक ऐसा बायो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड डेवलप किया गया है जिससे अगर हम इन वाटर्स में, जिनमें सल्फेट टाइप के सब्सटेंस हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, उन सल्फेट्स को हम क्या करेंगे, सल्फर जैसी चीजों में कन्वर्ट कर लेंगे। जहां पर हम लोग करने के वाले हैं कुछ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया यूज करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब इस जगह पर, इंस्टीट्यूशन में, इस रिसर्च सेंटर पे
एसआरबी, एसआरबी मतलब होता है सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो सल्फेट कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया हमने डेवलप किए हैं, इवन यूज किए हैं, देखे हैं। और इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कर, विद्युत ऑक्सीकरण प्रक्रिया करके हमने उनको डिसइंटीग्रेट किया है। और इसके द्वारा क्या हुआ है दोस्तों, ये जो पानी है वो पूरी तरह से साफ हो गया है, और प्लस ये भी कहा जाता है इसकी मदद से हमने हाई परफॉर्मेंस बैटरीज भी बनाए। आजकल दोस्तों शायद आपने सुना होगा माइक्रोबियल फ्यूल सेल टाइप की चीजें बहुत ज्यादा यूज में आ रही हैं, जहां सीवेज वाटर वगैरह को ट्रीट करने के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया वगैरह को यूज कर रहे हैं। आपने शायद देखा होगा 2012 के यूपीएससी पेपर में माइक्रोबियल फ्यूल सेल यूपीएससी में पूछा गया है। इसके अलावा अगला आर्टिकल जो है दोस्तों, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो एरोस्पेस म्यूजियम जो है, फिलहाल म्यूजियम आज का नहीं बना है, म्यूजियम 2014 के आसपास का है, शायद सॉरी 2001 के आसपास का है, जहां पर इंडियन जो एरोस्पेस में जैसे बहुत सारे फाइटर प्लेन्स, बहुत सारे इवन हमारा पीएसएलवी जीएसएलवी का भी स्टैचू टाइप की चीजें रखी गई है म्यूजियम में दिखाने के लिए। सो इस म्यूजियम में भी एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इवन अगर हम इंडिया के सिविल एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडिया को जो सिविल एवियन इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में 9th रैंकिंग पर आता है, और मतलब एक अच्छा मार्केट जो है जहाँ पे हम चीज़ों को बेचते हैं देते हैं इस हिसाब से। और अगर हम पूरा इंडियन एयरफोर्स की बात करें, मतलब वायु सेना की बात करें, तो हमारा जो एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। इवन अगर हम इसके बारे में देखें, जो हमारा स्पेस में जो बजट और जो एक्सप्लोरेशन वगैरह है, तो हमारा इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन बजट जो है तकरीबन 8th लार्जेस्ट है पूरी दुनिया का, जो हमारी सरकार हमारे एयर स्पेस में मतलब खर्च करती है, जहां नए नई टेक्नोलॉजीज और नए फाइटर प्लेन तरह की चीजों को बनने की बात होती है। जब शायद सुना भी होगा कि तेजस का हमने 2015-16 में सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जो इंडिया का 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन है। ये चीजें तभी हो सक्सेस हो पाती हैं जब इसके लिए फंडिंग्स होती हैं, पैसे वगैरह भी आते हैं। इवन एविएशन एक्टिविटी की बात करें, तो भारत में 1910 से शुरू हुआ वायुयान और इस तरह के फाइटर प्लेन्स वगैरह, लेकिन बिगनिंग में जो हमने प्लेन वगैरह यूज किया दोस्तों, वो हमने इम्पोर्ट किया है। कहाँ से इम्पोर्ट किया है, तो अमेरिका यूरोप से इम्पोर्ट किया है। और शुरुआत में इसके दो तीन फ्लाइट्स वगैरह जो टेस्ट किए हैं वो इलाहाबाद और कलकत्ता में किए गए हैं। आगे चलकर मिलिट्री एविएशन जो भारत में बनाया गया, वो अक्टूबर 1916 में बनाया गया, जहाँ वो एक तरह से इंडियन आर्मी का एक डिवीजन था और एयरफोर्स को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की बात थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो हेरिटेज सेंटर हैं, यानी जो एरोस्पेस म्यूजियम्स वगैरह हैं, वहां पे बात करते हैं। ये जो भी म्यूजियम्स हैं, इसको फिलहाल जो बैंगलोर में हमने बनाया हुआ है, इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन जो है श्री आर रोशन बेग ने किया है, जो उस समय के यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म थे, 30 अगस्त 2001 को। और इसका जो म्यूजियम में है, इनमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, हिस्टोरिकल चीजें हैं जो रखी गई, उसके बारे में ऊपर ऊपर से हम लोग करके निकलते हैं दोस्तों। एक लिस्ट है, फिलहाल ये पीपीटी तो ऑलरेडी अपलोड है, आप मैं एक बार बोलूंगा इन पीपीटी में, मतलब इस पीडीएफ को एक बार जस्ट टू गो थ्रू हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। हिंदुस्तान ट्रेनर ST2, इसका यूज 1953 से स्टार्ट हुआ, 1990 के बाद इसका यूज खत्म कर दिया गया। दूसरा हुल 26, जिसको पुष्पक याद रखना, ये इंडिया का पहला फ्लाइट था, इसका पहला फ्लाइट जो था 28 सितंबर 1958 को किया गया। नेक्स्ट जिसके बारे में मारूद बोलते हैं, मारूद भी इंडिया का पहला ऐसा, इसका पहला फ्लाइट जो है 1961 में हुआ, और इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1971 में इसका यूज भी किया गया, इसको भी वहां पर रखा गया है दिखाने के लिए उस म्यूजियम में। इसके अलावा किरण के बारे में बात करें, तो किरण भी एक तरह से देखें तो पहली बार इसका जो हमने यूज किया वो 4 सितंबर 1964 को हमारे इसमें एयरफोर्स में यूज किया गया है, और इसने इंडियन फोर्स में अच्छा खासा काम किया है। MiG-21 जो फाइटर प्लेन है, शायद पता होगा, इसे रशिया से लिया था, इसे काफी एक्सीडेंट हो रहे थे। ये सुपरसोनिक जेट फाइटर प्लेन था, जो 1966 से 1987 के बीच में भारत में वायुसेना में इसने काम किया है। इसके तीन वेरिएंट्स हैं जो बनाए गए हैं, जिनमें MiG-21, MiG-21M, MiG-21BIS, जिसके बनाने के लिए रशिया ने, यूएसएसआर ने हमें लाइसेंस भी दिया था। और शायद आपको पता होगा MiG-21 के एक्सीडेंट होने की वजह से ही उस समय तत्कालीन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने MiG-21 को रिप्लेस करने की बात की थी, और उसी के लिए हमारे राजीव गांधी जो थे वो तेजस प्रोजेक्ट लेकर आए थे। वो अलग बात है कि तेजस जाके हमने 2015-16 में डेवलप किया है। पता है दोस्तों, इस तेजस का जो तेजस नाम है, प्रोग्राम तो राजीव गांधी लेकर आए, लेकिन तेजस जो नाम है वो अटल जी का दिया हुआ है।
मतलब पिछली जमाने में जो पीछे के जो हमसे सीनियर जो लीडर्स थे, दे वर रियली वेरी इंटेलेक्चुअल, वो सम्मान करना जानते थे। फिलहाल हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम काम की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो हमारा जो ध्रुव है वो बहुत ही हल्के वेट का एडवांस ALH लाइट हेलीकॉप्टर है, उसे भी वहां रखा गया है। केनबरा फाइटर एयरक्राफ्ट रखा गया है, डोव एयरक्राफ्ट रखा गया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हल्के वेट के होते हैं, जिसका पहला टेस्ट इंडिया में 4 जनवरी 2001 को किया गया। सिंगल सीटेड होता है, एक ही इंजन लगे होते हैं, लाइट वेट का होता है, हर वेदर में चल सकता है और डिफरेंट तरह के टैक्टिकल फाइटर में यूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की जो वॉर प्रणाली होती है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। सितारा के बारे में भी लिखा गया है, जो 1999 में यूज बनाया गया, पहली बार इसको डेवलप किया गया। ये एक सब सोनिक है, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए इंडियन फोर्स और नेवी दोनों में यूज किया गया है। इसका पहली बार जो उस प्रोटोटाइप यूज किया गया था, प्रोटोटाइप मतलब एक मॉडलिंग टाइप का, वो 2003 में इसका पहला प्रोटोटाइप टेस्ट हुआ था। इसके बाद दोस्तों लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। लक्ष्य हमारा पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट है, जिसको PTA कहते हैं, इसको रिमोटली पायलटेड व्हीकल भी आप कह सकते हो, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड व्हीकल, इन सब नामों से जानते हैं। इसे DRDO ने बनाया है लक्ष्य, और लक्ष्य बहुत मतलब देश के लिए इम्पोर्टेंट भी रहा है। इसे हम रीयूजेबल है, पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, रिमोटली पायलटेड है, हाई स्पीड है और इसे हम ड्रोन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका जो पहला टेस्ट हुआ था 2012 में हुआ था और ये तीनों जगह पे मतलब तीनों सेनाओं में काम करेगा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। तो ये भी याद रखना, इसे भी हमने वहां पर रखा हुआ उस म्यूजियम में। केनबरा फाइटर एयरक्राफ्ट जो ब्रिटिश से हमें मिला है, ब्रिटेन से, वो भी इंडियन एयरफोर्स में 1949 के आसपास से सर्विस में है। ये भी एक बॉम्बर है, बम गिरा सकता है, ट्रेनिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं और हाई एल्टीट्यूड वगैरह में भी मदद के लिए इसको हम भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम डोव एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। डोव एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो डिजाइन और डेवलप होते हैं, जो ब्रिटेन में बनते हैं और इसका भी इंडिया में पहली बार एयरफोर्स में लाए गए 1950 में। कुछ रडार और एंटीना हैं जिनके बारे में, या ट्रैफिक कंट्रोल जिसको ATC के नाम से जानते हैं, वो भी हाल म्यूजियम में उसको डिस्प्ले के लिए रखा गया है, जैसे 1967 में कमीशन किया गया था इंडिया में। कुछ मेट्रोलॉजिकल रडार हैं जो एक्स बैंड ट्रांसपॉन्डर वाले हैं, जो मेट्रोलॉजिकल हैं, मौसम की जानकारी वगैरह करते हैं, डिफरेंट तरह के वेदर वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमारे जो पायलट्स होते हैं जो प्लेन्स वगैरह के थ्रू जाते हैं, वो अच्छी तरह से सेफ्टी मतलब रख सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा PSLV का जो पहला परीक्षण हमने 1993 में किया है, उसका भी पूरा का पूरा हॉल म्यूजियम में उसका भी पूरा एग्जीबिशन है जो लगा हुआ है। साथ ही साथ जो भारत का भूस्थैतिक या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जो बोलते हैं तुल्यकालिक, जिसका 2001 में पहली बार टेस्ट किया गया, उसका भी पूरा का पूरा एग्जीबिशन मॉडलिंग करके उस म्यूजियम में रखा गया है। अगला आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है, इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो मतलब इस बारे में आप खुद कहेंगे हाँ, इस तरह की चीजें जो हैं वो रिसर्च में एक नया ही एक इवोल्यूशन ला रही हैं, जहां पे बैक्टीरिया को आपकी जरूरत की चीजें बताई जा रही है। फिलहाल बैक्टीरिया पहले से भी जानते हैं, हमारे गट्स में भी बैक्टीरियाज होते हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल का डाइजेशन भी करते हैं तो बिकॉज ऑफ बैक्टीरियाज उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस हैं जो बैक्टीरियाज के, जो नए रिसर्च हैं, जो नई चीजें आई हैं, उन पे बात करेंगे। हाल ही में जो नए वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक नया एक इन्फॉर्मेशन बताया है कि हमारे और बैक्टीरिया के बीच में कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो हमें पता नहीं थे और वो हमारे लिए बड़े बेहतर है। अब बात होती है कि ये जो एक रिलेशन है जो हमारे लिए एक फेवरेबल है, जो किस तरह से फेवरेबल है। यहाँ पर एक स्टडी हुई है गट माइक्रोबियल पॉपुलेशन के बारे में, यानी जो हमारे गट्स या इंटेस्टाइन वगैरह में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पॉपुलेशन जो होते हैं, वो कैसे हमारी डाइट्स हमारे अंदर नई चीजें लाते हैं, किस तरह से हमारे अंदर डिफरेंट तरह के स्टिमुलेशंस करते हैं, डिफरेंट तरह के चेंजेस लाते हैं, इन एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। दोस्तों आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ब्रेन सेल होता है उनके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी वजह से केमिकल्स निकलते हैं, और जो केमिकल्स निकलते हैं वो केमिकल एक्चुअल में हार्मोन्स होते हैं। अब जैसे आप फीलिंग हो, सेक्स हो, इमोशन हो, टेंशन हो, फियर हो, ये हमारे सोचने से जनरेट होता है। तो यानी हमारा ब्रेन, यानी हमारा न्यूरॉन ने ऐसी चीजें सोची, ऐसी चीजें सोचने के बाद हमारे ब्रेन के पास एक ग्लैंड होता है, बोलते पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि जो होता है दोस्तों, ये मास्टर ग्लैंड होता है, होता तो बहुत छोटा सा ग्लैंड है, ब्रेन में होता है, एकदम हाइपोथैलेमस एक पार्ट है ब्रेन का, उसके ठीक पास में ही होता है।
लेकिन ये ऐसे हार्मोन्स ऐसे केमिकल निकालते हैं, इसकी वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के स्टिमुलेशन होते हैं। इस बारे में ही यहाँ बात हो रही है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि अगर हमारी बॉडी में अगर हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए, जैसे मैंने बोला अगर हमारी बॉडी में सीरोटोनिन बढ़ जाए, तो अगर सीरोटोनिन बढ़ जाता है तो हम खुश होते हैं। जैसे होता है ना, बहुत खुश हो, देयर वेरी हैप्पी, इसका मतलब होता है आपके न्यूरॉन ने ऐसा कुछ सोचा जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सीरोटोनिन बन रहा है। तो हैप्पीनेस के लिए जो हार्मोन्स होता है आपकी बॉडी में, आपका शरीर बनाता है, दैट इज अ सीरोटोनिन। लेकिन जब आप जैसे होता है ना, बहुत खुश हैं, प्यार की कंडीशन में हैं, बड़ा मतलब बेहतरीन कंडीशन में आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपकी कंडीशन टोटली उल्टी है, गुस्से में हो आप, एनेक्जिटी है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों देखो तो नॉरएपिनेफ्रिन टाइप के हार्मोन होते हैं जिनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा न्यूरॉन, जिसकी वजह से सारे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन, अच्छे हार्मोन, गंदे हार्मोन बनते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात बताई गई है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, एक नया डेटा है जो रिसर्च करके आया, जहां ये बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल चेंजेस करते हैं। जैसे अभी मैंने क्या बोला, हमने सोचा हमारे न्यूरॉन की वजह से हमारे ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स निकलने शुरू हुए, वही चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो बैक्टीरियाज हैं उनके प्रेजेंस से भी हमारी बॉडी में इस तरह के जो केमिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो निकलते हैं उनको ये इफेक्ट डालते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो न्यूरॉन और हमारी बॉडी के बीच जो तालमेल होता है, जो केमिकल या हार्मोन्स होते हैं उनका न्यूरॉन न्यूरॉन के थ्रू स्टिमुलेशन होता है, कनेक्शन बोला ना, न्यूरॉन यानी ब्रेन और हमारा हार्मोन, दोनों इंटरेक्शन होता है, इन दोनों इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं बैक्टीरियल रोल भी देखा गया है, जो एक नया ऑब्जर्वेशन। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है क्वींसलैंड, इन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को बार बार पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं, परजीवी बीमारियां करते हैं, जैसे बच्चों में उनके गट में गट डिसबायोसिस होती है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम है जो गट में इंफेक्शन, उसकी वजह से उनका जो ब्रेन होता है उनके विकास में दिक्कत आती है। यानी अगर जिन लोगों को गट में बार बार इंफेक्शन होता है, पैरासिटिक इंफेक्शन होता है, उनकी वजह से ब्रेन का इफेक्ट पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं ये पैथोजन या बैक्टीरिया हमारे ब्रेन को इफेक्ट डालता है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो साइंटिस्ट ने देखा, रिसर्चर्स ने देखा, कि जो पार्किंसन बीमारी होती है, आपको पता है दोस्तों पार्किंसन बीमारी क्या होती है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, आपने बस बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, तो आपको कुछ लोग ऐसे देखेंगे जिनकी बॉडी शेक हो रही है, ऐसे 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 से हिल रहे होंगे, ये जो शेक होती है ना, ऐसे घबराइए नहीं, ये कोई आपको टच करने की बीमारी नहीं होने वाली, कोई बूढ़ा आदमी हो या कोई बुजुर्ग हो, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स गिर सकता है, उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं हो रहा, न्यूरॉन जो सोडियम पोटेशियम पंप है काम नहीं कर रहा। यहां पे भी पार्किंसन बीमारी में भी देखा गया दोस्तों कि इन ऐसे लोगों को पार्किंसन ज्यादा हुआ है जिनके शुरुआत में उनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी इंटेस्टाइन में बाबा प्रॉब्लम रही है, और पार्किंसन डिजीज किससे जुड़ी है, न्यूरॉन से। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरियाज या पैरासाइट्स होते हैं जो जो हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में, गट में होते हैं, और जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन पे इफेक्ट करते हैं। यानी इस तरह के इंटरेक्शन भी हैं जो साइंस में रिसर्च करके आए हैं। आगे बात करते हैं पॉपुलर ट्री के बारे में। पॉपुलर ट्री अगर देखा जाए तो किसान वगैरह देखो तो पॉपुलर ट्री का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी इसका बहुत यूज होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री होता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों मर्ज करके करते हैं, किसी जंगल के एरियाज में अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल मेथड से। आप एग्रीकल्चर में आप जंगल को काटेंगे नहीं, ओके, उसको हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इन एरियाज में अगर हम देखें तो हमारे फार्मर्स वगैरह पॉपुलर ट्री को लेकर बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी चीज है, और एक तरह से देखें तो लार्ज स्केल में ये प्रोडक्टिविटी वगैरह को बढ़ाते भी हैं, क्योंकि जिनकी जो पत्तियां वत्तियां गिरती हैं ना वो एक फर्टिलाइजर्स बन जाती हैं, एक वो भी पार्ट है। पॉपुलर जो होता है एक टॉल प्लांट होता है, बहुत तेजी से ग्रो करने वाला होता है। नदर हेमिस्फीयर में जो है उन एरियाज में ये पॉपुलर ज्यादा मिलता है, नॉट सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे अमेरिका, यूरोप, इन सब में, इवन एशिया में मिलता है, लेकिन थोड़ा इनकी संख्या कम होती है, बट इवन एशिया में भी मिलते हैं। जो ट्री होते हैं ये बहुत ज्यादा बायोमास बनाते हैं, इनका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, जल्दी खत्म हो जाते हैं, आसानी से बढ़ जाते हैं, इनको कल्टीवेट करना आसान होता है, और फार्मर्स के लिए अच्छा खासा इनकम भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनको हम वुड के फार्म में, वेनेर के फार्म में, बायोएनर्जी के फार्म में भी यूज करते हैं। बायोएनर्जी का मतलब तो आप इनकी पत्तियों से बायोडीजल बना लो। इवन 6 ऐसे इंडिजिनस पॉपुलर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमालयन रीजन में। भारत में कुल 6 पॉपुलर तरह के, मतलब क्या बोलते हैं, स्पीसीज हैं, जातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। पॉपुलर जो गुड्स होते हैं उनके मैच स्प्लिंट्स बनाते हैं, माचिस वगैरह की, प्लाइवुड्स बनाते हैं, पैकिंग वगैरह केस में, स्पोर्ट्स में, गुड्स में, सामानों में, पल्प वुड, फर्नीचर, टॉय वगैरह बनाने में यूज करते हैं।
इसके अलावा प्लाईवुड जो मार्केट में यूज होता है सबसे ज्यादा पॉपुलर से ही बनाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पॉपुलर प्लांटेशन है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ही पाया है, मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलर जो प्लांटेशन है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ही होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टार्च के बारे में, और स्टार्च के बारे में अब एक क्वेश्चन बनता है और आई एम वेरी श्योर कि रेजिस्टेंस स्टार्च आपके पेपर में क्वेश्चन आना चाहिए। अब बात ये होती है कि हम अपनी बॉडी में हम जब फूड खाते हैं तो हमें स्टार्च कैसे पाते हैं, तो एक तो देखो जब हम टोस्ट खाते हैं, रोटी खाते हैं, जब हम इडली खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, केक्स खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, इसके अलावा और भी चीजें, इन सबसे हमारी बॉडी में स्टार्च जाते हैं। स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसा कहते हैं दोस्तों लगभग 50% जो स्टार्च होते हैं वो हमारे शुगर कंटेंट के थ्रू मंथली बेसिस पे हमारी बॉडी के अंदर है ना, मतलब लगभग अबाउट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो इनकी वजह से अपने शुगर वुगर लेवल को चेक करती है, यानी कहीं ना कहीं ये स्टार्च हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो भारत में तकरीबन, भारत को कहते हैं ना दुनिया का डायबिटिक कैपिटल, है ना, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि तकरीबन जो लोग ये सब चीजें खाती हैं, ऐसे भी कह लो भारत में लगभग 50% लोग अपनी डायबिटीज वगैरह को चेक कर रहे हैं। कैलिफोर्निया बेस्ड एक रिसर्च है जो आया है, CADI यानी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज एमंग एशियन इंडियंस, जो एक डेटा आया है जिसमें यह बोला गया है कि भारत में तकरीबन 62 मिलियन हार्ट पेशेंट हैं जो हुए हैं 2015 में, तो बहुत बड़ा डेटा है। और जहां कहीं ना कहीं ये स्टार्च इस तरह के फूड हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में आने से इसके पीछे के कारण बने हैं, यानी डायबिटीज, हार्ट बीमारियां, जिनके पीछे इस तरह के स्टार्च की प्रॉब्लम्स हैं। स्टार्च में भी दो तरह के स्टार्च होते हैं, हम उन चीजों पे बात करते हैं। इवन जो नंबर ऑफ डाइटरी चार्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें पे डाइटिशियन हमेशा कुछ ना कुछ बताता है, देखो इतना वीट, इतना ओट, इतना होल ग्रेन है ना, इन चीजों को खाना चाहिए, और व्हाइट राइस को कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने के, सफेद चावल जो धान होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी जो आर्टिकल है उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों पर बात हुई है, क्योंकि व्हाइट राइस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो होती होगी जिसको अवॉइड करने की बात हो रही है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स क्या है मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां आपके पेपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है रेजिस्टेंस स्टार्च के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा जो हमारे डाइट्स होते हैं उसमें फाइबर्स खाते हैं तो हमें जैसे कैंसर नहीं होता, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो रेजिस्टेंस स्टार्च भी एक तरह के फाइबर टाइप के मटेरियल होते हैं जो हमारे लिए हेल्प करते हैं। बात करते हैं आजकल देखो रेजिस्टेंस स्टार्च जो होते हैं बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है आजकल इन चीजों में कि अगर हम रेजिस्टेंस स्टार्च टाइप की चीजें खाएं तो ज्यादा अच्छा है। रेजिस्टेंस स्टार्च होता क्या है इन पे बात करते हैं। देखो दोस्तों जब हम स्टार्च खाते हैं, स्टार्च क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो रेजिस्टेंस स्टार्च के बारे में बात करें तो एक तरह का ऐसा स्टार्च है जो पूरी तरह से बॉडी में नहीं टूटता, मतलब जब डाइजेशन होता है तो फूड टूटता है और अंत में जाके डाइजेशन होकर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेशन पूरा हो जाता है तो वो ग्लूकोज हो चुका होता है, जब फैट का डाइजेशन होता है पूरी तरह से तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो चुका होता है, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है अमीनो एसिड हो चुका होता है। मैं यहां बोल रहा हूं जब स्टार्च में अगर वो रेजिस्टेंट स्टार्च है तो उसका पूरा डाइजेशन हो ही नहीं सकता, अगर रेजिस्टेंस स्टार्च नहीं है तो उसका डाइजेशन हो जाएगा, यानी अगर इसका डाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। और ऐसा कहते हैं जब इसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये डाइजेशन में डाइजेशन होते होते किसी बीज के प्रोडक्ट में जाके रुक जा रहा है, तो जो बीज का प्रोडक्ट बनता है ये पूरी तरह सिंपलेस्ट नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं दोस्तों SCFA। क्या बोलते हैं? SCFA। SCFA का मतलब क्या होता है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो बनता है वो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन चीजों का निर्माण करते हैं। यानी अगर हम रेजिस्टेंस स्टार्च खाते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि सर रेजिस्टेंस स्टार्च होते किसमें, आते ही बात करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन होता है सर रेजिस्टेंस स्टार्च का फायदा क्या होता है, तो एक चीज पहले आपको यह समझ में आ गई, रेजिस्टेंस स्टार्च हमारी बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते, ब्रोकेबल नहीं है, टूटते नहीं है, तो बीच में कहीं जाके रुक जाते हैं। तो जब बीच में जाके रुकते हैं और जो बीच का प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड बोलते हैं, और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो बनाते हैं वो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बनाते हैं, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक हेल्थ बेनिफिट होता है। अब बात होती है कि SCFA कैसे डिफरेंट तरीके से है ना, जब ये टूटकर रेजिस्टेंस स्टार्च SCFA बनते हैं तो कैसे हमारे बेनिफिशियल होते हैं, उन पॉइंट्स को अपने एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा जिन चीजों को मैं बता रहा हूं। देखो अगर स्टार्च पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारा शुगर लेवल बढ़ाता है, और अगर पूरी तरह से नहीं डाइजेस्ट होता है तो शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है, यानी कहने का मतलब है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस स्टार्च ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। दूसरा कह रहा है कि ये मोटापा भी नहीं बढ़ाता है।
तीसरा कह रहा है कि हमारे गट को स्ट्रांग करता है, तो डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है, हमें कोलन डिजीज नहीं होती है, अवॉइड कोलोनिक डिजीजेस। इसके अलावा हमारी जो हड्डियां होती हैं वो ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ज्यादा होता है, मिनरल्स के एब्जॉर्ब ज्यादा होते हैं। हमारी बॉडी में जो स्टूल्स वगैरह होते हैं, जो फीकल मैटर वेस्ट निकलते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, फ्रीक्वेंटली निकलते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह की दिक्कतें जो नहीं है। हमारी बॉडी की प्रतिरोधकता बढ़ाती है, हमारे स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोबियल फ्लोराज हैं, जो माइक्रोनिज्म पाए जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, हमें कोलन कैंसर से बचाते हैं, ब्लड फ्लो को कोलन के अंदर अच्छा करते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा करते हैं, इंप्रूव करते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेनिक यानी जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको रोकते हैं, हमारी बॉडी में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ओके उनको, या कह लो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। अगर हम एस सी एफ ए के बारे में जाएं तो कुछ छोटे से इंफॉर्मेशन हैं यहाँ पे जिनके बारे में बता दूं। ये एस सी एफ ए होते क्या है, ये एस सी एफ ए जो होते हैं, जो मैं अभी शॉर्ट चेन फैटी एसिड बोल रहा था, ये कुछ एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी वजह से सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये किस तरह के एसिड्स के फॉर्मेशन करते हैं, इनमें ब्यूटेरिक एसिड निकलता है, इनमें प्रोपियोनिक एसिड निकलता है, इनमें एसिटिक एसिड निकलता है, जिसकी वजह से ऊपर के जो हम बात कर रहे थे उनकी उनका बेनिफिट होता है। और एक तरह से अगर बात करें तो ये जो आरएस है ओके जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्च के बारे में, ये एक तरह से न्यूट्रासिटिकल की तरह काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी को न्यूट्रासिटिकल मतलब हमारी बॉडी के मेटल हैवी मेटल वगैरह को हमारे यूरिन से बाहर करके हमारी बॉडी को लेस टॉक्सिक बनाते हैं, हमारी लाइफ अच्छी होती है, हमें कैंसर नहीं होता, हमें इस तरह की दिक्कतें, यानी हमारी बॉडी को जो हेल्थ बेनिफिट होता है इनके कंजम्पशन से वो होता है। अब बात होती है, तो हमने रेजिस्टेंस स्टार्च के बारे में बात की, नॉर्मल स्टार्च क्या होते हैं। नॉर्मल स्टार्च जो होते हैं उनमें दो तरह के पॉलीसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। तो नॉर्मल स्टार्च जो होते हैं वो दो तरह के पॉलीसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं, एक जिसको एमाइलोज कहते हैं और दूसरे जो एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो नॉर्मल स्टार्च किससे बने होते हैं, दो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड से जानते हो गया, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनमें कहते हैं कार्बन जो होते हैं वो 7 या 7 से ज्यादा के होते हैं, उनके कंपाउंड्स होते हैं। तो स्टार जो होते हैं वो एमाइलोज पॉलीसेक्राइड्स, दो कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एमाइलोपेक्टिन होते हैं अगर उनके हम केमिकल स्ट्रक्चर में जाएं तो वो बहुत ही ब्रांच होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये सरफेस एरिया वगैरह में छूट जाते हैं जब डाइजेशन वगैरह होता है। और अगर इस बारे में बात करूं तो आप छोड़ो सीधा ये जानो कि पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जब डाइजेस्ट हो जाता है इस तरह का तो क्या बनाता है, सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना लेता है, इसके से हमारी बॉडी में इंसुलिन का बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर ये चीज एमाइलोपेक्टिन टाइप का स्टार्च है तो इट्स नॉट गुड। अगर वहीं एमाइलोज है तो एमाइलोज क्या करता है, ये स्ट्रेट चेन होता है, सिंप्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये सर्फेस एरिया को एक्सपोज जो होते हैं वो लिमिट में करते हैं बॉडी के अंदर, यानी कहने का मतलब है यही वो एमाइलोज हैं जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट स्टार्च बनाते हैं। और हम लोगों ने सारी कहानी कर ली है, जो रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, यानी कहने का मतलब है हमारी बॉडी में ये ज्यादा ग्लूकोज और इंसुलिन टाइप की प्रॉब्लम को नहीं होने देते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च का मतलब क्या होता है, उसको रेजिस्टेंट स्टार्च क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये डाइजेशन को रजिस्ट करते हैं, डाइजेशन को रोकते हैं, पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होने देते हैं। मैंने क्या बोला था, बीच वाले प्रोडक्ट्स को एस सी एफ ए लाके छोड़ देते हैं, इसलिए इनको हम रेजिस्टेंस स्टार्च, रेजिस्टेंस स्टार्च और रेजिस्टेंस स्टार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका डाइजेशन जो होता है वो रजिस्ट करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, और डाइजेशन के प्रोसेस को रोकने से क्या फायदा होता है, एससीआरए बन जाता है, और एससीएफए बन जाता है। एससीएफए क्या बोलते हैं, देखो मैंने बोला हुआ है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनने से क्या होता है दोस्तों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्यूटेरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनका फॉर्मेशन होता है, और ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि हम रेजिस्टेंस स्टार्च कैसे बना सकते हैं, यानी एक से ध्यान रखना, अगर हम खाने में ये चीजों को प्रोसेस करें तो हम जो भोजन होगा उसको हम रेजिस्टेंस स्टार्च उससे हम बना सकते हैं, यानी वही राइस जो अच्छा नहीं है उसको प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से मैनेज करें तो वो रेजिस्टेंस स्टार्च बन जाएगा, यानी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चीज देखना है कि कैसे हम रेजिस्टेंस स्टार्च के कंटेंट को बढ़ाते हैं किसी खाने में। तो कह रहे हैं अगर हम स्टोरेज ऑफ राइस को, या मतलब कोई डिफरेंट सीरियल प्रोडक्ट है, अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पर रखें लगभग 12 से 24 घंटे पर,
तो उनका जो आरएस वैल्यू होती है यानी रेजिस्टेंस स्टार्च की जो वैल्यू होती है बढ़ने लगती है। दूसरा कह रहा है अगर हम कोकोनट ऑयल में किसी राइस को कुक करें और उसके बाद उसको हम ठंडा करें फ्रिज के अंदर तो उसका भी आरएस वैल्यू बढ़ जाता है यानी रेजिस्टेंस स्टार्च की वैल्यू बढ़ जाता है, वो स्टार्च अच्छा हो जाता है। अगर हम कुकिंग में स्लो कुकिंग प्रोसेस करें रोस्टिंग की जगह इंक्रीजेस लाइक रोस्टिंग की तरह इंक्रीजिंग द, ये भी क्या करता है रेजिस्टेंस स्टार्च को बढ़ाता है उसकी कंपैरिजन में। अगर हम कुकिंग कूलिंग और रीहीटिंग इस तरह की चीजों को अगर हम बढ़ाएं तो वहां पे भी आरएस कंटेंट वगैरह को मतलब इस तरह के मतलब कुकिंग कूलिंग और रीहीटिंग टाइप की चीजों को करें बार बार ओके, तो वहां पे भी आरएस वैल्यू बढ़ती है फूड की। आरएस वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ता है, एससीएफए की बात हो रही जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। अगला एक आर्टिकल है जो बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, उम्मीद करता हूं आप ध्यान रखोगे। हम अपने खाने में जो चीजें खाते हैं उसमें एसिडिक भी नेचर ऑफ फूड खा सकते हैं, बेसिक नेचर ऑफ फूड भी खा सकते हैं। इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है दोस्तों अगर हम बेसिक नेचर का फूड खाते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा होता है, नुकसान नहीं होता। यानी हमारी बॉडी में अगर पूरी बॉडी में देखें तो एक पीएच होता है जिसका बैलेंस होता है और होना चाहिए, और इसी पीएच के बैलेंस को हम लोग कहते हैं एसिड बेस होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म। जैसे गर्मी में जाते हैं पसीना आता है स्वेटिंग आती है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। हमारी बॉडी में एसिड बेस की होम्योस्टेसिस होनी चाहिए, और हमेशा याद रखिए अगर हम बेसिक फूड खाते हैं तो वो हमारे डाइट के लिए सबसे अच्छे डाइट होते हैं जिसका पीएच यानी 7 से ज्यादा होता है। आप अमूमन देखो जो पीएच होता है ब्लड का वो कितना होता है, बहुत पहले 2007 में तो ब्लड का पीएच तक पूछ दिया था तो 7.35 से तकरीबन 7.45 जो साइंस रिपोर्टर लिख रहा है। अब कह रहा है अगर 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 यही पीएच जो ब्लड का है 6.9 से अगर कम हो जाए तो डायबिटिक कोमा में आदमी चला जाता है। अगर यही पीएच 7.9 से ऊपर हो जाए तो बंदे को टीटनस जिसको हम लॉक जा बीमारी भी कहते हैं, जॉ 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 मुंह में, ये बीमारी हो जाती है। यानी आप खुद देख रहे हो कि पीएच की वैल्यू कम और अधिक होने से यहां पे एक बीमारी बताई गई है, इस बीमारी की वजह से ब्लड के पीएच वैरी कर रहे हैं यानी ब्लड का पीएच वैरी होने से डिफरेंट तरह के इंफेक्शन है। इवन स्टमक के अंदर आप देखो अमूमन जो पीएच होता है वो 0.7 से 1.9 के बीच होता है, एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशन होता है। आपको पता ना 7 से जितना ही नीचे जाओ एसिड होता चला जाता है वैल्यू, 7 के ऊपर जाओ तो बेसिक होता चला जाता है। तो यहाँ करेंगे 7 पॉइंट यानी 0.7 और 1.9 यानी बहुत कम है, यहाँ पे एसिडिक पीएच होता है। पीएच ऑफ सलाइवा जो होता है वो भी एसिडिक होता है। ऐसे कहते हैं जो सलाइवा का पीएच होता है वो 5 से 8 के बीच होता है। जो हम फूड जो हम खाते हैं वो इन्हीं सलाइवा किसी पीएच के बीच में माउथ से ही डाइजेशन शुरू होता है। एक बात मैं आपको तो जो हम खाना खाते हैं हमारा डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में जो पीएच का रेगुलेशन करता है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है ये। हमारी बॉडी में पूरी बॉडी मैंने बोला ना हमारी बॉडी पीएच का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और मैंने अभी बोला अगर पीएच का बैलेंस उल्टा सीधा, ब्लड के अंदर मैंने क्या दिखाया, दिखाया डायबिटिक कोमा, दिखाया आपको टिटनस, दिखाया सारी बीमारियां दिखाई, वही मैं कह रहा हूँ हमारी बॉडी में जो पीएच का बैलेंस होता है यानी एसिड बेस का जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, अगर वो भी पूछता है तो लंग्स और किडनी को आप टिक कर देना। यानी हमारा जो लंग्स होता है यानी फेफड़ा, हमारा जो वृक्क यानी किडनी, हमारी बॉडी के पीएच का बैलेंस करता है। जो हेल्दी बॉडी पीएच होती है, जैसे जो लोग नॉर्मल हेल्दी बॉडी, हमारी नॉर्मल बॉडी, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारी बॉडी का पीएच किसके किसके बीच में हेल्दी बॉडी का जाता है तो 6 to 6.5, 7, 7.5 के बीच होता है हेल्दी बॉडी का पीएच होता है। अब बात यह होती है कि डिफरेंट तरह के हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएट होते हैं हमारी बॉडी में। अगर एसिडिटी बढ़ जाती है यानी बॉडी में अगर पीएच की वैल्यू 7 से अगर कम हो जाती है, अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, इस केस में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। एक तो हमारा जो ग्रोथ फैक्टर होता है शरीर का वो कम हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म यानी थायराइड का लेवल सामान्य स्तर से कम हो जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल जो ब्लड में होता है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, बंदा कमजोर होता है, वीकनेस महसूस करता है, मसल मासेज जो होते हैं कम होते हैं, बंदा कमजोर होता है, मेटाबोलाइट जो होते हैं वो बदलते हैं उनका रेगुलेशन, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डिसबैलेंस हो जाते हैं, सेल के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी चलती है वो भी डिसबैलेंस हो जाती है, और जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं जिनकी एक्टिविटीज होती है रेजिस्टेंस वगैरह वो भी प्रभावी होती है। दोस्तों पीएच वैल्यू के बेस पे दो तरह की प्रॉब्लम हो रही है, एक एसिडोसोसिस यानी एसिड की मात्रा बढ़ रही है यानी क्षारीयता यानी एल्केलिनिटी कम हो रही है, और दूसरा एल्केलोसिस यानी एसिडिटी एसिडिक नेचर कम हो रहा है, एल्केलिनिटी बढ़ रही है यानी क्षारीयता बढ़ रही है, यानी एसिडोसोसिस में अम्लीयता बढ़ रही है
और एल्केलोसिस में क्षारीयता बढ़ रही है। अब बात यह होती है कि एसिडोसोसिस के केस में क्या होता है, जब ब्लड का लो एल्केलिनिटी हो जाती है यानी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, उस केस को एसिडोसोसिस कहते हैं। इस केस में होता क्या है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, गिर जाता है, इसी कंडीशन को एसिडोसोसिस कहते हैं। यहां पर क्या होता है कि लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोलोसिस में क्या होता है, लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल गिर जाता है, इस कंडीशन को हम लोग एल्कोलोसिस कहते हैं। यहां पर जो होता है हमारे ब्लड के अंदर जो होता है अमूमन वो बाइकार्बोनेट, यानी जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में फ्यूज होते हैं तो बाइकार्बोनेट बनाते हैं, तो बाइकार्बोनेट कंपाउंड बढ़ने से हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है, एल्कोलोसिस हो जाती है। फिलहाल हमारे पेपर के लिए ये चीज जरूरी है कि जब एसिडोसिस की कंडीशन होती है ब्लड के अंदर तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जो लंग होता है वो ढंग से काम नहीं करता, हमारा जो सांस लेने की दर होती है स्लो हो जाती है, हमारी जो रीनल यानी किडनी होती है वो इन्फेक्टेड होती है, किडनी फेल होती है, ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, पानी का लॉस होता है, डायबिटीज होता है, डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन है ही है, और पैंक्रियाटिक वगैरह का ड्रेनेज होता है। एल्कोलोसिस अगर 7 के ऊपर का पीएच हो गया तो इरिटेबिलिटी होती है, मसल टीचिंग होती है, क्रैम्स आते हैं मसल्स में, टिंगलिंग होती है फिंगर्स में, टोज में, लिप्स वगैरह में, धीरे धीरे वाइब्रेशन टाइप की चीजें होती, यानी इस तरह की दिक्कतें आती हैं इन केसेस में। दूसरी चीज बात करते हैं, अगर एसिडिक फूड अगर हम जनरली है ना, फिलहाल डज नॉट डायरेक्टली डैमेज आवर इंटरनल सिस्टम, मतलब एसिडिक फूड नुकसान तो करता है लेकिन सीधा हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर हम इसका रेगुलर कंजम्पशन करते हैं तो जाके ये धीरे 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 करके हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस केस को हम कहते हैं एसिडोसोसिस, एसिडोसिस एसिडेमिया। सो इस बीमारी को याद रखना है, एसिडोसिस एसिडेमिया, अगर एसिडिक फूड हम बार बार खाते हैं, बार बार खाते हैं, बार बार खाते हैं। दूसरा, अगर हम अपने डाइट में इंटरवेंशन करें, मतलब डिस्टर्ब करें चीजों को, हम मतलब इंटरवेंशन मतलब कुछ सही करें, सॉरी कुछ नए चेंजेस करें, अगर हम प्रोटीन के कंटेंट को कम कर दें, अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट को बढ़ा दें, अपने न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स में सॉल्ट वगैरह जैसे पोटेशियम मैग्नीशियम टाइप की चीजों को ज्यादा लें, तो हमारा जो एसिडोसोसिस की प्रॉब्लम होती है, जो एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो हमेशा मैं आपको बोलूंगा कि वेजिटेबल और फ्रूट को प्रेफर करें जिससे पोटेशियम मैग्नीशियम इस तरह के आयंस आपको ज्यादा मिले। अगली बात कह रही है कि ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल एंड फूड, फिलहाल इस बारे में बात हो गई है, एसिड बेस का बैलेंस होता है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला एक इंफॉर्मेशन है जो कि आइंस्टाइन का है, और यहाँ पर जो फिलहाल आइंस्टाइन का नाम बहुत ही पॉपुलर है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और कहाँ कहाँ आपने सुना होगा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत ज्यादा जगह पर आता है। तो आइंस्टाइन का एक कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों लेजर लाइट पे भी रहा है, लेजर के 100 ईयर्स पूरे हुए तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आइंस्टाइन है जो हमसे जुड़े हुए हैं। ये खोज जो है एक रिवोल्यूशनरी इंटरवेंशन है जो 20वीं शताब्दी की थी, लेजर की खोज जिसका पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, होता क्या है इस पे बात करते हैं। फिलहाल 1917 में आप देखो इसके बारे में इसकी थियरी आई थी, और 2017 में अगर मैं बात करूं जो आर्टिकल आप देख रहे हो अक्टूबर 2017 में, तो आपको समझ में आ सकता है यानी इसकी सेंचुरी पूरी हो गई, यानी 100th ईयर कंप्लीट हो गए, इसलिए आर्टिकल आया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस साल आपके पेपर के लिए या कोई भी क्वेश्चन लेजर से जुड़ा हो सकता है। तो शुरुआत तो लेजर के बारे में आइंस्टाइन ने किया, लेकिन लेजर के बारे में ज्यादा क्लियर में ज्यादा अच्छे से बताया जो वो थे ऑपरेशनल स्टडी, जो कि वो थियोडोर मैमन थे जिन्होंने 1960s में इसके बारे में ढंग से बताया। इवन लेजर के बहुत सारे यूजेस हैं उसकी, हम कटिंग या ड्रिलिंग मेटल को कटिंग या ड्रिलिंग करने के लिए कर सकते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर सकते हैं, रीड या सेंड डेटा कर सकते हैं, एटम्स को ठंडा करने में कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के जो विखंडन प्रक्रियाएं फ्यूजन प्रक्रियाएं हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन या इस तरह की चीजें फ्यूजन उसको हम ट्रिगर कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी कर सकते हैं, जैसे आईज वगैरह में आपने सुना होगा लेसिक सर्जरी LASIK होंगे ना, लेसिक तो आपके पेपर में भी आया दोस्तों 2010-11 के आसपास UPSC प्रीलिम्स में, तो उन सब में कहीं ना कहीं हम लेजर को यूज करते हैं। लेजर पे अगर हम जाएं तो लेजर के जो टाइप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके एप्लीकेशंस में, तो दुनिया में बहुत तरह के लेजर्स हैं जो बने हैं, और ये इसकी शुरुआत और ज्यादा डिटेल में तो मैमन 1960s के बाद जो चीजें बताई गई, जो चीजें सामने लाई गई, कुछ एडिबल लेजर्स हैं जो फ्लेवर्ड जिलेटिन मतलब बनाए गए हैं, कुछ ड्रिंकेबल लेजर हैं जिनको अल्कोहलिक मिक्सचर्स के साथ यूज किया गया है पीने के लिए, तो बड़े मिसलेनियस टाइप के भी लेजर्स हैं जो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, सर ये डबल लेजर, सर ड्रिंकिंग लेजर, सो एग्जैक्टली दोस्तों ये सारी चीजें भी हैं जो बनाई गई हैं।
लेज़र को हम डिफरेंट तरीके से हम चाहें तो क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं लेज़र में किस तरह के एक्शन करते हैं, तो लेज़र एक्शन के बेसिस पर, लेज़र के ऑपरेशन के बेसिस पर, लेज़र में जो पावर होता है उसकी एफिशिएंसी, उसके कार्यों के बेसिस पर, तो देर डिफरेंट पैरामीटर्स टू क्लासिफाई अ लेज़र। लेकिन वैसे कुछ कॉमन मेथड हैं जो जनरली जो लेजर्स वगैरह जो डिफरेंट टाइप्स के हम यूज़ करते हैं, उन जो सबसे ज़्यादा लेजर्स जो यूज़ करते हैं आज हम अपनी लाइफ में, सॉलिड स्टेट लेजर्स, गैस लेजर्स, इसके अलावा आप सेमी कंडक्टर लेजर्स, लिक्विड लेजर्स, केमिकल लेजर्स, डाई लेजर्स, मेटल वेपर लेजर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर्स, रमन लेजर्स, ये सब डिफरेंट मिसलेनियस लेजर्स हैं जो आज दुनिया में प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर हम लेजर्स की प्रॉपर्टी पर जाएं तो लेजर में से कौन कौन से गुण हैं या कैरेक्टर्स हैं जो लेजर के होते हैं, तो पहला जो लेजर होता है वो कोहेरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना, इसको मार देना, बताता हूँ कोहेरेंस क्या होता है। मोनोक्रोमेटिसिटी होती है, इसे भी मार देना। कन्वर्जेंस होते हैं, मार देना। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मार देना। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है, सारे के सारे वेव्स जो होते हैं वो एक ही टाइम और एक ही स्पेस के हिसाब से चलते हैं, यानी कहने का मतलब अगर ये वेव है वो इस तरीके से चल रहा है तो इसके पहले भी जो वेव होगा वो भी एग्जैक्टली इसी टाइम पर, इसी स्पेस में, इसी डिस्टेंस पे, इसी हिसाब से चलेगा। तीसरा भी जो देखो इसी टाइम पे, इसी स्पेस में, सॉरी है ना थोड़ा तेज, इसी हिसाब से चलेगा, इसको बोलते हैं कोहरेंट। इसीलिए यहां क्या बोला कि टाइम और स्पेस जो होता है सब साथ साथ होता है, तो टाइम भी साथ साथ, तीनों सब साथ साथ चल रहा है, स्पेस भी है, गैप भी, सब कुछ एक ही है, इसको कोहरेंट बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिसिटी किसे कहते हैं, मोनोक्रोमेटिसिटी कहते हैं एक ही तरह के कलर की लाइट हो, तो एक ये नहीं एक लाल हो एक नीला हो, एक ही तरह के कलर की लाइट हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिसिटी, एक ही तरह का क्रोम, क्रोम मींस कलर। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो ये बल्ब है, मान लो दोस्तों ये बल्ब है, तो बल्ब की लाइट क्या होती है, चारों तरफ जाती है, जब चारों तरफ जाती है तो इसको तो हम डाइवर्जेंस कहते हैं ना, इसकी वजह से ब्लड की लाइट दूर नहीं जाती। अगर हम सारी लाइट्स को एक तरफ कन्वर्ट करके और एक ही दिशा में भेजें तो लाइट जो कि बहुत दूर चली जाएगी है ना, एक ही तरफ, देखो सबको एक ही तरफ, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, क्षमता ज्यादा हो जाएगी, उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस यहां पर कैसे होते हैं लेजर लाइट, कन्वर्जेंस होते हैं, बल्ब की लाइट डाइवर्जेंस होती है। हमने क्या बोला, एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में सबको मिला लो, कन्वर्जेंट कर लो। अब इसकी वजह से मैंने क्या बोला, जो लेजर लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है ऑर्डरी ऑर्डरी लाइट से। अब इसको हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अगर उसके बारे में जाएं तो, लेजर्स के डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आ जाओ, औद्योगिक इकाइयों में जो हम लेजर को यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखो हम चीजों की कटिंग करने में करते हैं, ड्रिलिंग वगैरह में करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं, मार्किंग में करते हैं चीज को, एलोइंग में करते हैं है ना, मिश्र धातु वगैरह में, हीट वगैरह को ट्रीट करने में, सोल्डरिंग वगैरह में, फोटोलिथोग्राफी में करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को चेक करने में करते हैं, माइक्रो मशीन वगैरह में करते हैं और पॉलिशिंग वगैरह में करते हैं। इंडस्ट्रियल के अलावा अगर हम मेडिकल प्रोसेस में जाते हैं तो डर्मेटोलॉजी, स्किन में, डेंसिटी डेंटिस्ट्री में, दांत वगैरह में, कार्डियोलॉजी में, न्यूरो सर्जरी में, आई सर्जरी में, स्पाइनल सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में, कैंसर में, एंडोस्कोपी में, फिजियोथेरेपी में, एंजियोप्लास्टी में, जो ब्लड की क्लॉटिंग आ जाती है आर्टरीज के अंदर उनको साफ करने में। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस में भी यूज होता है लेजर का, जैसे डिफेंस में अगर आप किसी टारगेट, किसी रेंज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, किसी डेजिग्नेशन पे कोई चीज आप फायर करना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो किसी जगह को, लेजर की मदद से आप कर सकते हो। लेजर के अलावा बहुत सी देखो तो मिसलेनियस फंक्शंस हो जाएंगे, जैसे प्रिंटर्स वगैरह, लेजर प्रिंटर्स आते हैं, सीडी डीवीडीज में हम लेजर्स को यूज करते हैं, बार कोड स्कैनर्स में यूज करते हैं, जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं जो संचार सूचना में प्रयोग में लाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, वहां भी लाइट को ही यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों लिडार टेक्नोलॉजी, शायद लिडार टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा दोस्तों, आजकल बहुत न्यूज में है। ऐसे कहते हैं कि जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोसेस होगा, जो काम चलेगा ना, वो लिडार टेक्नोलॉजी से एवरी स्टेप चेक किया जाएगा कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि किसी लोकेशन वगैरह को चेक करने के लिए लिडार इज द बेहतरीन टेक्नोलॉजी, और इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी को जो है वो लेजर आधारित ही टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग फॉर मेजरिंग लोकेशन। तो बुलेट ट्रेन वगैरह के काम को भी इसकी मदद से देखा जाएगा, जैसा न्यूज में आया है। फिलहाल अगर आप मेरा बुलेट ट्रेन का वीडियो देखोगे तो मैंने लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताया है। एयरबॉर्न बैथीमीटर्स, जो जिसकी मदद से हम हवा में से ही पता कर सकते हैं कि यहाँ पे वाटर बॉडी जो है उसकी डेप्थ कितनी है। वॉल्केनिक जो एरोसॉल होते हैं उनको चेक करने में, क्योंकि उसके जो ऐश निकलते हैं जब ज्वालामुखी होती है, तो उसके धुओं उनकी उनकी भी मतलब चेकिंग उनको भी हम कर सकते हैं, तो किसी तरह से एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, जहाँ पे बैलेस्ट वाटर के बारे में बात होता है, ये भी एक न्यूज में रहा है, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। कहते हैं दुनिया का 90% जो ट्रेड है वो समुद्रों के रास्ते से होता है, शिपों से होता है, पानी वाले जहाज से होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है।
चंदू जब एक जगह से दूसरी जगह शिप जाती है तो शिप अपने साथ ना कुछ बैलेस्ट वाटर लेकर जाती है। बैलेस्ट वाटर एक्चुअल में शिप में रखे जाते हैं शिप को बैलेंस देने के लिए, ताकि शिप जो होता है पानी का, क्योंकि थोड़ा सा पानी हम उठा के कुछ शिप में डाल देते हैं और उस बैलेंस वाटर की वजह से शिप का एक वेट हो जाता है, तो शिप जो होता है पानी में जो ऊपर नीचे होता है उसका एक बैलेंस बना होता है, तो शिप जो होता है वो स्थिर बना होता है, उस तरह के वाटर को बैलेंस्ड वाटर कहते हैं। तो जब शिप कहीं से चलना शुरू होती है उस पानी को डालते हैं तो वहां के अगल बगल की जो डाइवर्सिटी होती है वो इफेक्टेड होती है, और आप इसको लेके यहां से तो जा रहे हैं और जब कई हजार किलोमीटर दूर जाते हैं तो इस तरह की डाइवर्सिटी को वहां पे खाली करते हैं, तो यानी इस तरह की डाइवर्सिटी वहां जाती है तो वहां पे कोई ना कोई नुकसान करती है, यहां का नुकसान हुआ वहां का नुकसान हुआ। यानी हम बैलेंस्ड वाटर के बारे में बात कर रहे हैं कि बैलेंस्ड वाटर भी एक तरह का मैन मेड वार एक ओशन के अंदर जो ह्यूमन की वजह से प्रॉब्लम समस्या आ रही है। तो मेरे ख्याल से बैलेंस्ड आप समझ में आ गए, जो शिप में एक्स्ट्रा पानी हम भर देते हैं शिप के बैलेंस करने के, उसको बैलेंस्ड वाटर कहते हैं, लेकिन उसके साथ शिप की डाइवर्सिटी भी वहां जाती है, अलगी भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं जो ओशन के अंदर होते हैं और वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जो बैलेंस टैंक होते हैं दोस्तों, ये अपने साथ वाटर लेकर जाते हैं, एडिक्वेट स्टेबिलिटी अपने आप को, कार्गो वेसल्स को शिप में बैलेंस करने के लिए। और ये बैलेंस वाटर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पंप के साथ, जो वाटर में अंदर आते हैं वाटर से बाहर किए जाते हैं जरूरत के हिसाब से शिप को एक बैलेंस एक स्टेबिलिटी देने के लिए। कैसे ऐसा कहते हैं दोस्तों, हर साल तकरीबन 12 बिलियन टन बैलेंस वाटर जो होता है वो एक पोर्ट से डिस्पेंस हो जाता है दूसरे पोर्ट, और इस तरह से पूरा इकोसिस्टम का इंबैलेंस हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको एक बेसिक सा एक बैकग्राउंड दे रखा है। यहां पर दोस्तों बैलेंस्ड वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो इनके साथ ना कुछ वेक्टर्स वगैरह भी चले जाते हैं जो बीमारी देते हैं, जो अनइंटेंशनल होते हैं, हम चाहते नहीं है लेकिन अनजाने से गलती से पहुंच जाते हैं, जो वहां की डाइवर्सिटी, वहां के फूड वेव को, सबको, सब रिस्ट्रक्चर, सब गड़बड़ शड़बड़ सब चेंज कर देते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बैलेंस्ड वाटर के बायो इन्वेजन्स हैं जो देखे गए हैं, जैसे बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, कुछ एल्गीज हैं जो बड़े बड़े हैं, स्टारफिश और मसल है ना, ये सब एक जगह से दूसरी जगह देखे, जैसे जेब्रा मसल्स, मूजल्स, ये एक एक्वाटिक मोलस्कंस है, मोलस्का ग्रुप का समूह है, जो स्नेल्स वगैरह आते हैं, जो ब्लैक सी में होता है, ये ईस्टर्न यूरोप में मतलब ईस्टर्न यूरोप के ब्लैक सी में होता है, उसको वेस्टर्न, नॉर्दर्न यूरोप और ईस्टर्न हाफ अमेरिका में भी देखा गया, रीजन बैलेंस्ड वाटर की वजह से। ग्रीन क्राब जो है, जो कि कार्सिनस मेनियस है, इसको नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन और बाल्टिक सी में होता था, जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी देखा गया, जो शिप की वजह से इन एरियाज में पहुंचे हैं और वहां की डाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है, वहां की डाइवर्सिटी को उन्होंने इफेक्ट भी किया। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जापानी स्टार फिश है, ओके, आप जापानी स्टार फिश देखो, जिसको एस्टेरियस एमोरेंसिस बोलते हैं, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशंस और जो भी था एंड वॉज इंट्रोड्यूस इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो आया यहाँ से नॉर्थ पैसिफिक ओशन से और पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में, रीजन ओशन के जो शिप हैं वो उसके पीछे जिम्मेदार है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लैक स्ट्रिप्ड मसल म्यूसल, ये भी मोलस्कंस हैं, इनका साइंटिफिक नाम है माइटिलोपिस सेलाई, जो कि पनामा कैनाल जो साउथ अमेरिका का है वहां से इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया, हांगकॉन्ग, जापान, फिजी और ताइवान में, जो कि यहाँ कभी नहीं होता था। ब्लैक स्टड मसल्स ने एक तरह का एक खतरनाक कंडीशन बना रखा है, जहां पे आए वहां की पूरी जैविकता को बर्बाद कर रखा है। एल्गल ब्लूम, ये एक तरह के नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू गेन एल्गा होते हैं, ये एक तरह के अनकंट्रोल इंक्रीज ऑफ एल्गा जो है कुछ वाटर बॉडीज में हो रहा है, जैसे कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एल्गल ब्लूम्स के हैं, जो ब्लू गेन एल्गी के हैं, जो जहरीले हैं, लीथल हैं, जैसे अलेक्जेंड्रियम और करेनिया, ये ऐसे 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 जीनस हैं एल्गल ब्लूम्स के जो कि बहुत खतरनाक हैं, जो ब्लास्ट बैलेंस वाटर की वजह से कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। इवन ऐसा देखा गया इन एल्गीज में कुछ केमिकल्स, टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं जहरीले, जैसे साइनोटॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिक, डोमोइक एसिड, ब्रेविटॉक्सिन, इस तरह के एल्गीज हैं जो ये देखे जाते हैं। और ये असल में अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं या जीवों के अंदर आते हैं तो उनसे हमारा हिपेटोपैंक्रियाटिक यानी लीवर और ये पैंक्रियाटिक्स डिस्टर्ब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, जो मैराइन जीव होते हैं उनको इफेक्ट डालते हैं। तो मतलब अगर ये ह्यूमन में भी आते हैं तो भी इस तरह के टॉक्सिन करते हैं, यानी इन ब्लू गी नलका के इस टॉक्सिक केमिकल की वजह से, ठीक है, इस तरह के जीनस जो वहाँ पे पाए जाते हैं अलेक्जेंडियम और ये, इसकी वजह से वहाँ के जनजीवन पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इवन बॉटल नोज डॉल्फिन्स और अटलांटिक राइट व्हेल्स जो रिपोर्ट किए गए हैं, जो पूरी तरह से फेस एक्सटेंशन हो गए हैं इस वजह से, यानी ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, जो बैलेंस्ड वाटर की वजह से, इस तरह के टॉक्सिन केमिकल की वजह से वहां से ऐसा मानते हैं पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो आप इस तरह की चीजें या डाइवर्सिटी देख सकते हैं जो आपको दिख रही है, जहां पे
जनजीवन को बर्बाद करने की बात हुई है, मतलब ओशन के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको बर्बाद किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशिमा, एक इंफॉर्मेशन और था जो बैलेस्ट वाटर के बारे में बताना चाहिए था मुझे। यहाँ पे एक गाइडलाइंस है जो इंडिया में हुआ है फिलहाल, उसके बारे में बात बनती है, जहां पे इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ है जो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आईएमओ है जो काम कर रहा है, और आईएमओ ही बैलेस्ट वाटर को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है। क्या कोशिश है? आईएमओ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्पज है इंटरनेशनल कन्वेंशन, मतलब एक इसने प्रपोज किया है आईएमओ ने, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द शिप बैलेस्ट वाटर एंड सेडिमेंट्स, जो पूरी तरह से क्या करेगा, कोस्टल एरियाज में इस तरह के बैलेस्ट वाटर वगैरह का कंट्रोल करेगा। इसका ये गाइडलाइन बनाएगा शिप वगैरह से कि जो बैलेस्ट वाटर एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं उसका किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। इवन 6 ऐसे कंट्रीज हैं, ब्राजील, चाइना, इंडिया, ईरान, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, इन लोगों ने मिलकर ग्लोबल लेवल पर बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया है। और इसका जो डिमोन्स्ट्रेशन साइट है जहाँ पे चेक करने की बात हुई है, मुंबई में इसे किया जाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है बैलेस्ट वाटर के अगेंस्ट में, जहाँ पे इंडिया से जुड़ा हुआ कंट्रीब्यूशन भी है, आप याद रखें। दोस्तों, आसिमा चटर्जी के बारे में भी यहाँ पे एक आर्टिकल है, जो कि पहली डॉक्टरेट ऑफ साइंस डिग्री लेकर भारतीय यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इन्हें पहली वीमेन है जिनको मिला है, और ये पहली ऐसी वीमेन है जो जनरल प्रेसिडेंट भी रहे इंडियन साइंस कांग्रेस की, और इसके अलावा पहली वीमेन है जिनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा उनका मेजर जो इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट था वो मेडिसिनल प्लांट्स में था, जिसका उन्होंने फिलहाल इनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, इन्होंने डिफरेंट तरह के केमिकल्स वगैरह की स्टडी की है, नेचुरल प्रोजेक्ट्स की, मेडिसिनल प्लांट्स की, और उसको मतलब ह्यूमन में डिफरेंट डिजीज के अगेंस्ट में यूज करने उनका शुरुआत से ही इंटरेस्ट भी था उसमें बारे में। यहाँ देखो लिखा भी, इंटरेस्टेड इन द मेडिकल प्लांट्स टू ट्रीट द डिजीजेस, सी वॉज टोटली डिवोटेड फॉर लाइफ ऑफ सेपरेट द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द मैरिन रिसोर्सेज, मतलब इनका काम अधिकतर इन चीजों पर रहा है। एक बिजनेस से इंफॉर्मेशन है केव ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। केव ऑफ क्रिस्टल जो है वो एक जगह है जो बरीड है काफी नीचे, 1000 feet नीचे, एक जगह है जो मैक्सिकास नाइका माउंटेन है वहां पे पाया जाता है। एक क्रिस्टल मटेरियल है, एकदम आइस की तरह चमकता है, और इसके चारों तरफ एक गुफा है, और जो भी है वो फ्लोर पे नीचे गुफा में फिलहाल नीचे सतह पे पाया जाता है। 1990 में एक नाइका ग्रुप ऑफ माइनर्स है ना, जो माइंस किसी मतलब ढूंढते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और इसका नाम केव ऑफ सोल रखा था। अप्रैल 2000 में जाकर माइनर्स ने और भी नए एक्सटेंशंस किए, नए टनल ढूंढे, और बाद में जाकर उन्होंने और केव ढूंढे, और एक सबसे बेहतरीन जो केव मिला जो क्रिस्टल की तरह दिखता था उसका नाम केव ऑफ क्रिस्टल रखा गया, जिसे जायंट क्रिस्टल केव भी कहते हैं। यही केव ऑफ क्रिस्टल जो आर्टिकल है जो थोड़ा न्यूज में है, तो इस बार रहा है तो आपको जानना चाहिए केव ऑफ क्रिस्टल के बारे में। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये क्रिस्टल्स की तरह क्यों दिखते हैं, ये क्रिस्टल की तरह क्यों दिखते हैं, हमारा डिस्कशन यहाँ है दोस्तों। इसके पीछे रीजन क्या है, इस केव में जो हाउस है, जो जगह है, उसमें सेलेनाइट क्रिस्टल जिप्सम पाए जाते हैं, सेलेनाइट के क्रिस्टल मटेरियल होते हैं जिप्सम के साथ वो पाए जाते हैं, और इस एरिया में सबसे बड़ा क्रिस्टल मिला है। क्रिस्टल वगैरह देखा होगा आइस की तरह, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े चमकते हैं, और एक क्रिस्टल्स जो होते हैं एक्चुअल में यहाँ पे क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्रिस्टल जो होते हैं यहाँ पे वो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से बनते हैं। अब हाइड्रोथर्मल क्या होता है, पानी में हीट की वजह से बनते हैं। अब आप कहोगे कि वो जगह है वहां पे पानी है, ओके फाइन, हीट कहां से आ गई, तो ऐसा कहते हैं दोस्तों उसके नीचे ना ज्वालामुखी है, वोल्केनोस है, और उसके जो मैग्माज निकलते हैं, उन मैग्माज में सल्फर होता है, कहते हैं ना वोल्केनो से सल्फर बहुत निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वही अंडरग्राउंड जो मैग्मा निकल रहा होता है उस जगह पर, वो वहां पर ग्राउंड वाटर के साथ वहां पर क्या होता है, सैचुरेट होके सल्फाइड आयन बना लेता है। तो जो मैग्मा ओशन से निकल रहा है, जो ओशन के अंदर ज्वालामुखी है वहां पर जो क्रिस्टल मिल रहा है, वो क्रिस्टल के पीछे रीजन क्या है, जो ज्वालामुखी से जो सल्फर निकल रहा है वो सल्फर वहां पर वाटर के साथ मिलकर सल्फाइड आयन बना दे रहा है, और ये सल्फाइड आयंस क्योंकि पानी है तो वहां ऑक्सीजन भी होगा, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन धीरे धीरे वहां से डिफ्यूज होके गर्म होके, जब पानी गर्म होगा तो वहां पे ऑक्सीजन जो होगा वो डिफ्यूज होगा, ऑक्सीजन उस पानी से अलग होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी,
वही भाई, मैंने क्या, मैंने आपको इन्वायरमेंट की क्लास में कई बार बताया है कि गर्म पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है, गर्म पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने से पानी के अंदर का ऑक्सीजन मरने लगता है, खत्म हो जाता है, तभी तो मछलियां गर्म पानी में मर जाती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने से वहां पे ऑक्सीजन का जो डिसोल्यूशन रेट होता है, जो घुला होता है, वो कम हो जाता है, सफोकेशन, मर जाती है। तो वही कह रहा है कि जब हीटेड वाटर होता है, तो अब वहां पर जब ऑक्सीजन वहां से अलग होता है पानी से, तो जो सल्फाइड जो होते हैं, जो निकल रहे होते हैं, जो सल्फाइड आयन होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि जब वाटर से ऑक्सीजन अलग होगा तो सल्फर जो पानी में घुला होगा रिएक्ट कर जाएगा जो पानी में ऑक्सीजन था, और उससे वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही सल्फेट जो होगा दोस्तों, यही हाइड्रेटेड सल्फेट जिप्सम का क्रिस्टल होगा जो वहां पर पाया जाएगा। और ये कहते हैं ये प्रोसेस वहां पे धीरे धीरे चल रहा है और करीब 5 लाख सालों तक ये प्रोसेस चला है और ये भी आगे चलता रहेगा। और इस तरह के एनार्मस क्लाउड चीजें हैं जो बनी है। तो फिलहाल ये भी एक बहुत ही अनोखी चीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, वीमेन साइंटिस्ट के बारे में है, जो उसमें से 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो आपको जानना चाहिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसी कौन सी पहली लेडी है जो साइंटिस्ट है, जो इलेक्टेड हुई है जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। अभी आपने देखा था अश्विमा चटर्जी का नाम 1975 में। दूसरा, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, शायद आप गेस कर लें। मिसाइल मैन किसे कहते हैं, शायद आप को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो थे एपीजे कलाम, उनको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है आईजीएमडीपी प्रोग्राम, शायद याद होगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे इंडिया 5 तरह के मिसाइल का डेवलपमेंट करिए, प्रोग्राम उन्हीं के टाइम का है और ये हमारा सक्सेस हुआ था, जिसमें 5 तरह के मिसाइल डेवलप करने थे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नागैन, आकाश, पटना। और वो जो पृथ्वी था उसका पहला टेस्ट हमने सक्सेसफुल किया था और ये प्रोग्राम जो था आईजीएमडीपी 1983 में लाया गया था और ये हमारा पहला सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। तो मिसाइल मैन तो हम आईजीएमडीपी की वजह से 1983 में जो लाया गया एपीजे कलाम को बोलते हैं, जिसे पृथ्वी मिसाइल हमने पहली बार टेस्ट किया और हमारे आर्मी में इंटीग्रेट हुआ, लाया गया। मिसाइल वीमेन दोस्तों कहते हैं टीसी थॉमस को, जो अग्नि 4 प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, लेडी है ना, इनका भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो मिसाइल वीमेन आप टीसी थॉमस को जानना, रीजन अग्नि 4 याद रखना। यहाँ भी पूछ रहा है, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट वुमेन लीड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायकॉन लिमिटेड किसका है। तो ठीक है, किरण मजूमदार शाह है, शायद इनका नाम सुना होगा, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। हु द फर्स्ट प्रेसिडेंट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस, तो इस पर भी थोड़ा याद रखना। तो मंजू शर्मा है, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की मतलब पहली वीमेन है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु वेर द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विजिट द अंटार्कटिका, शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा याद रखना। अदिति पंत और सुदीप्ता सेन गुप्ता जो पहली वीमेन है इंडियन जो कि अंटार्कटिका पर घूम कर आई हैं, वहाँ शोध या अनुसंधान कार्य कर कर आई हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू ट्रेवल द स्पेस, शायद पता ही होगा कि कल्पना चावला इज द फर्स्ट वन, जो इंडिया बाद में और भी लोग रहे हैं, लेकिन कल्पना चावला इज द फर्स्ट वन, जो पहली वीमेन है जो गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर। तो यहाँ पे भी आपको पता होगा, अश्विमा चटर्जी पे भी हम लोगों ने बात किया था, इनको ये भी चीज मिली है। पहला ऐसा इंडिया वीमेन जिनको एल और एल यूनेस्को अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों इंदिरा नाथ। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी लास्ट में चलते चलते दोस्तों, आप साइंस टेक्नोलॉजी के लिए ये साइंस एंड टेक की बुक आप ले सकते हैं, इवन मैं तो कहूँगा आप को जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। इस बुक में मैंने साइंस एंड टेक की बुक में मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, मैंने सारे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स और वो आर्टिकल्स भी दिए हैं, जिन आर्टिकल्स को, जिन मटेरियल्स को आपको पढ़ना चाहिए पूरा प्रॉपर क्लासीफाई करके। और यहाँ पर मैंने पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर भी दिए, आपको जरूर लगाने चाहिए, एटलीस्ट आपकी आँख खुलती है और आपको क्या चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लास्ट में दोस्तों, चलते चलते आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पे, आप पेंडाई कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप चाहें तो मुझे एनरूट IAS वो राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में, इन दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे दिए गए नंबरों पर कोई डाउट है तो आप पूछेगा, जनमिन आंसर होगा, कुछ जनमिन क्वेश्चन होंगे तो मैं देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये साइंस रिपोर्टर का आर्टिकल आपके लिए बहुत ही फिलहाल बेनिफिशियल होगा। मुझे अपना फीडबैक देते रहें, अपना प्यार देते रहें, अपना स्नेह देते रहें और बिल्कुल मेरी कमियों को बताते रहें, अच्छाइयाँ भी बताते रहें और अपना ख्याल रखें। गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर।